गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो आई होप आपने ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस किए होंगे. कोई इशू तो नहीं है उसमें. पेज 241 पर आइए. आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को एक्सपोर्ट की 10 करोड़. बट इसका एएलपी है 12 करोड़. तो इंडियन असेसी की इनकम में 2 करोड़ रुपए जोड़ दिए जाएंगे. ये तो आपने पढ़ लिया. अरुण जेटली साहब ने कहा कि ठीक है, हमने 2 करोड़ तो ऐड कर दिया आपकी इनकम में, बट मेरी कंट्री से भी तो दो करोड़ हमें कम मिला है. उसने कहा आप ये पैसा वापस लाना पड़ेगा आपको. जो यूएस एंटरप्राइज को आपने एक्सपोर्ट किया है 10 करोड़ पर, जिसकी एएलपी है 12 करोड़, कहता है 2 करोड़ रुपया आप वापस लेके आइए उससे, और वापस लेके आइए 90 डेज के अंदर. 90 डेज कहां से गिनेंगे अभी देखते हैं. और 90 डेज में आप ले आए, फिर तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली हो गया, क्योंकि हमने इनकम आपकी 12 करोड़ कर दी, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 10 करोड़ आ रहा था आपका. तो 2 करोड़ जो आ गया आपका, अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी टैली कर गया विद द टोटल इनकम, और हमारी कंट्री को भी लॉस नहीं हुआ. और अगर ये पैसा नहीं लेके आए आप, तो इसे हम एडवांस मान लेंगे. ये मानेंगे आपने लोन दिया है किसको, फॉरनर को. अब उस लोन पर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और उस इंटरेस्ट इनकम को टैक्सेशन के लिए ऑफर करेंगे. ये तो आप इनकम एक्रू करेंगे ना, तो यस, फॉरनर को एक्रू करेंगे तो टीडीएस भी कटेगा आपका. तो जो ये एडजस्टमेंट है 2 करोड़, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट. अगर 90 डेज में आप पैसा ले आए, तो अगर ए इंडिया ने बी यूएसए को एक्सपोर्ट किया है, तो 90 डेज के अंदर आप 2 करोड़ बी से लेके आइए फ्रॉम यूएसए टू इंडिया, और नहीं लेके आए तो ये एडवांस मान लिया जाएगा, और एडवांस पर अब आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. क्लियर है? देखिए लोन वैसे है तो थोड़ी है, ये तो लॉ डीम कर रहा है इस लोन. ओके. तो अगर आप 90 डेज में ले आए, फिर तो बात खत्म. अगर नहीं लेके आए, तो बुक्स में आप करेंगे सेकेंडरी एडजस्टमेंट. यानी 2 करोड़ रुपए का लोन दिखाएंगे आपने फॉरनर को दिया है, एंट्री डालेंगे फॉरनर्स लोन डेबिट, लोन टू फॉरनर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इस पर काफी शोर मचा. अल्टीमेटली निर्मला सीतारमन ने रिलैक्सेशन दी. उसने कहा हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं. पहला ऑप्शन जो अरुण जेटली ने दिया कि बी से पैसा इंडिया में लेके आ जाइए. दूसरा ऑप्शन, अगर बी पैसा देने को तैयार नहीं है, तो आपकी कोई और एनआर एसोसिएट एंटरप्राइज है उससे ले आइए. या तो बी से पैसा लेके आइए, अगर वहां फिजिबल नहीं हो रहा तो किसी और नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइज से ले आइए पैसा, एसोसिएट एंटरप्राइज से. अगर यह भी पॉसिबल नहीं हो रहा, तो एक एक्स्ट्रा टैक्स दे दीजिए. जो नॉर्मल टैक्स वो तो देंगे देंगे आप, ये जो पैसा नहीं ला पा रहा है, इस पर आप एक्स्ट्रा टैक्स दे दीजिए हमें.
तीन ऑप्शन दे दिया। अब देखिए, एक्सपोर्ट हुई 10 करोड़ की, एएलपी 12 करोड़। जैसे कि जस्ट लास्ट टाइम कह रहे थे कि 2 करोड़ रुपए मैं खुद अपनी इनकम में ऐड कर सकता हूं, अगर मैंने एक्सपोर्ट दिखाई है 10 करोड़ की और मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जब टीपी रिपोर्ट बनाई उसमें एएलपी निकाला 12 करोड़, तो वन इज दैट आई कैन माई सेल्फ एड 2 करोड़ टू माई इनकम। पहला चीज ये। नंबर टू, मेरे सीए ने भी टीपी रिपोर्ट में 10 करोड़ दिखाया बट एओ ने एएलपी कितनी निकाली, 12 करोड़। तो 2 करोड़ अगर एओ ऐड करता है तो उसे भी हम प्राइमरी एडजस्टमेंट बोलेंगे, प्रोवाइडेड एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट आगे अपील नहीं गई है। तीसरा, ये जो है 12 करोड़, इसके लिए मैंने सेफ हार्बर रूल्स अडॉप्ट किए हुए हैं। 12 करोड़ इज द एक्सपोर्ट प्राइस एज पर द सेफ हार्बर रूल्स, तो भी एडिशन होगी। अगर मैंने एपी एंटर किया हुआ है जहां 12 करोड़ का प्राइस फिक्स हुआ था, तब भी एडिशन होगी। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि इनफैक्ट जस्ट ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था पेपर 60 में कराता हूं बट करा देता हूं अभी मैं, कि अगर यूनिक टेंजिबल्स इन्वॉल्व है तो वहां एएलपी निकालना मुश्किल होता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, डीटीए में कंपिटेंट अथॉरिटीज होती हैं, ये दोनों मिलकर एएलपी निकालेंगी। अगर इन्होंने एएलपी 12 करोड़ निकाला है देन 2 करोड़ इज द प्राइमरी एडजस्टमेंट। 92 CE, पेज 241, 92 CE इन द चैप्टर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, वेयर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस, व्हाट इज प्राइमरी एडजस्टमेंट, जो एएलपी के कारण इंक्रीज हुआ है, इन माय केस 2 करोड़, हैज बीन मेड सो मोटर बाय द असेस इन द रिटर्न ऑफ इनकम। असेस ने खुद 2 करोड़ रुपए इनकम बढ़ा दी है, मेड बाय द एओ, एओ ने एडिशन की है एंड दिस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द असेसी। तीसरा, इज डिटरमिन्ड बाय एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द असेसी अंडर सेक्शन 92CC, फुल स्टॉप। अच्छा, इधर देखिएगा, ये प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी होंगी अगर जो एडजस्टमेंट कर रहा है एओ, या जो मतलब इंक्रीज इन एएलपी हो रहा है, इट इज एक्सीडिंग 1 करोड़। तो प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट तब की जाएंगी अगर जो एडिशन है डेट एक्सीड रुपीज 1 करोड़। नंबर टू, ये असेसमेंट या 17-18 से की जाएंगी, उससे पहले वाले केसेस में नहीं की जाएंगी। असेसमेंट ईयर 17-18 से होंगी एडिशंस, उससे पहले सालों में नहीं होंगी। अच्छा, प्राइस सुओ मोटो असेसी ने 2 करोड़ ऐड कर दिया, दूसरा है एओ ने ऐड किया 2 करोड़, असेसी ने एक्सेप्ट कर लिया, तीसरा है क्या, पार्टिसिपेट करिए प्लीज, एपीए एंटर्ड है उसमें 12 करोड़ है। यहां लिटिगेशन आ गई। ये एडिशंस कब से किए जाएंगे, असेसमेंट ईयर 17-18 से किए जाएंगे। सेवनटीन एटीन से किए जाएंगे। इधर देखिए प्लीज, इधर देखिए, अब फाइनेंस एक्ट 19 ने लॉ अमेंड किया कि अगर एपीए एंटर्ड है ऑन और आफ्टर दिस डेट,
तभी एडजस्टमेंट होंगे। अगर एपीए इस डेट से पहले एंटर्ड है फिर एडजस्टमेंट नहीं किए जाएंगे। ये अमेंडमेंट आई, एपीए एंटर होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1/4/17, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसे। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा, एपीए एंटर्ड है 1/4/16 से लेकर 17, 18, 19, 20, 21 तक, लिख लीजिएगा 21 तक। एपीए के हिसाब से एएलपी बनती है 12 करोड़, ट्रांजैक्शन प्राइस है 10 करोड़, असेसमेंट ईयर है मेरा 21-22। तो बताइए असेसी की इनकम बढ़ाई जाएगी या नहीं? बताइए ना, क्यों नहीं बढ़ाई जाएगी? असेसीज इनकम टू बी इंक्रीज्ड बाय 2 करोड़, लेकिन क्या नहीं होगा? सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स नहीं किए जाएंगे। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स शैल नॉट बी मेड, क्यों? बिकॉज एपी इज एंटर्ड बिफोर 1/4/17। सो ये चीजें एमसीक्यूज में आती हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है, सो जहां असेसी ने एडिशंस किया 2 करोड़ की सुपर मोटो, या फिर एओ ने एडिशंस किया 2 करोड़ की, नंबर 3 एपी के हिसाब से एडिशन हुई है, बट एपी शुड बी एंटर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/17। चौथा, सेफ हार्बर रूल्स अडॉप्ट किया आपने, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट हुई है। पांचवा, जहां डिस्प्यूट अराइज हो गया आपका और डीटी में उसे सेटल किया किसने, is arising as a result of resolution of an assessment by way of mutual assessment procedure, map कहते से, map कहते से, जो हम पेपर 6C में डिटेल में करते हैं, mutual agreement procedure। दोनों competent authorities आपस में बैठकर price fix करती है, disputes resolve करती है। तो assessee shall make primary एसोसिएशन में एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट टोटल 1 करोड़ या उससे कम हुई है। अगर 1 करोड़ से ऊपर हुई है तभी लगेगा। नंबर 2 क्या है, असेसमेंट या 17-18 ऑनवर्ड्स लगेगा। ये याद करना आपने। नंबर 2, where as a result of primary adjustment to the transfer price there is an increase in total income or reduction of the loss as the case may be of the assessee, the excess money, what is excess money in my example, 2 crores, the excess money which is available with the associate enterprises if not repatriated to India within the time as may be prescribed, time is 90 days, 90 days kahan se count karte hain bhi dekhte hain। So 90 डेज के अंदर पैसा वापस लाना होता है। इफ नॉट repatriated टू इंडिया विद इन द टाइम एज मे बी prescribed शैल बी deemed टू बी एन एडवांस मेड by द assessee टू द एसोसिएट enterprise एंड द इंटरेस्ट ऑन सच एडवांस शैल बी computed इन द manner एज मे बी prescribed। लॉ यहां खत्म हो जाता था, लॉ यहां खत्म हो जाता था। ये सारी अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 19 से आई है। इसके बाद का सारा लॉ फाइनेंस एक्ट 19 ने बनाया है।
अभी तक लॉ बोलता था कि एक्सेस मनी आपको लाना है इंडिया में कितने दिन के अंदर, 90 डेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब डेट, और अगर नहीं लेके आए तो यह माना जाएगा कि आपने एडवांस दिया है एसोसिएट एंटरप्राइज को और उस पर इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाएगा। आइएगा नेक्स्ट पेज पर। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 92CA2, द टाइम लिमिट फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी शैल बी ऑन और बिफोर 90 डेज। पहला केस, जहां आपने खुद एडिशन की है, जहां आपने खुद एडिशन किए हैं, वहां पर 90 डेज गिने जाएंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सो 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट, वेयर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू द टीपी हैज बीन मेड सो मोटो बाय द असेस इन द रिटर्न ऑफ इनकम। नेक्स्ट, जहां एओ ने असेसमेंट करके इनकम बढ़ाई है, वहां जिस दिन एओ का ऑर्डर पास हुआ 143 में, और बाय चांस अगर आपने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया, अपील कर दी, अपील हार गया, तो जिस दिन अपील हारे आप, जिस दिन अपील अथॉरिटी का ऑर्डर पास हुआ, वहां से 90 डेज गिने जाएंगे। सो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ और द अपलेट अथॉरिटी एज द केस में, इफ द प्राइमरी एडजस्टमेंट्स टू द टीपी आर मेड, सॉरी, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एओ और द अपलेट अथॉरिटी एज द केस में भी, इफ द प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस एज डिटरमिन इन द अफोरसेड ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द असेसी। यानी अपील हार गया। तीसरा, जहां प्राइमरी एडजस्टमेंट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ अ एपीए, इन केस वी हैव प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय एन एपीए एंटर्ड इनटू बाय द असेसी अंडर सेक्शन 92CA ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इधर देखिए प्लीज, अगर एपीए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले एंटर हो चुका है, फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से गिनेंगे 90 दिन। बताइए, और अगर एपीए एंटर हुआ है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद, देन मॉडिफाइड की बात नहीं करते। देखिए यहां पर, जहां एपीए के हिसाब से प्राइमरी एडजस्टमेंट की गई है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट, इफ द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और अगर एपीए एंटर हुआ है ड्यू डेट के बाद, देन फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एपीए हैज बीन एंटर्ड इनटू। क्योंकि एपीए एंटर हो गया, अब आपको मालूम है आपकी लायबिलिटी क्या है। इफ द सेड एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जहां आपने सेफ हार्बर रूल्स अडॉप्ट किए वहां पर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 139 इन केस ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द असेसी एज पर सेफ हार्बर रूल्स इज देयर, और जहां दोनों मैप हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग इफेक्ट बाय द एओ, तो जिस दिन एओ मैप को इफेक्ट देगा वहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग इफेक्ट बाय द एओ अंडर रूल 44H टू द रेजोल्यूशन अराइव्ड अंडर द मैप वेयर द प्राइमरी एडजस्टमेंट टू टीपी इज डिटरमिन्ड बाय सच रेजोल्यूशन अंडर डीटी अंडर सेक्शन 90। क्लियर है? अभी समराइज फॉर्म में करते हैं इसे। नहीं, मैप तो होता है दो कंट्रीज के जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है वो मिलके प्राइस निकालती है। अच्छा, अब 90 डेज में पैसा नहीं लाए तो इंटरेस्ट लगेगा आपको, कब से लगेगा?
90 डेज खत्म होने के बाद मैंने यही गलती की, नहीं मैंने ये गलती इसलिए की क्योंकि रूल साइलेंट थे, लॉ में कुछ लिखा नहीं था, लॉ में कुछ लिखा नहीं था, इसलिए मैंने लास्ट बैच में पढ़ाया कि 90 डेज खत्म होने के बाद इंटरेस्ट लगेगा। जब मेरा बैच कंप्लीट हो गया फरवरी में रूल चेंज कर दिया गया और रूल में लिखा गया अगर 90 डेज में पैसा ले आए फिर तो एडवांस नहीं मानेंगे, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 90 डेज में पैसा नहीं लेके आया तो इंटरेस्ट शुरू से लगेगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये जो डेट्स दी हुई हैं तो तभी मैंने YouTube पर एक लेक्चर डाला था अपना कि टीपी में चेंजेस हुए, वो ये चेंजेस थे कि 90 डेज जो मैंने लास्ट टाइम क्लास में कराया था, मतलब इंटरेस्ट कंप्यूट करते मैंने कहा था 90 डेज खत्म होने के बाद करेंगे क्योंकि रूल में कुछ लिखा नहीं था। और जब बैच खत्म हो गया उसके बाद रूल में चेंजेस आए कि इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे फ्रॉम दीज डेट्स जब तक पैसा नहीं आएगा। ये कह रहे कब तक इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, जब तक पैसा नहीं लाएंगे आप, लगाते रहेंगे हम। आपको बड़ा आसान लग रहा है, अगर बाहर से पैसा नहीं आता तो फेमा में आपकी प्रोसिक्यूशन हो जाती है, आपका एसोसिएट एंटरप्राइज आपका दोस्त ही है, बोलिए दे पैसा। तो बेसिकली इस तरह का ड्रैकोनियन लॉ इसलिए बनाया है ताकि फॉरनर्स तमीज से बात करना सीखे हमसे, इन द सेंस सही प्राइस पर ट्रांजैक्शन हो। क्योंकि अरुण जेटली ने कहा हमने ये लॉ इसलिए बनाया कि फॉरनर्स परवाह ही नहीं करते, वो कहते कोई बात नहीं 2 करोड़ इंडियन की इनकम ऐड होगा ना, होने दीजिए, पेनल्टी इंडियन को लगेगी लगने दीजिए, हम तो पैसा निकाल के ले गए। इट्स नॉट टॉलरेबल नाउ। अभी देखते हैं द इम्प्यूटेड पर एनम इंटरेस्ट ऑन द एक्सेस मनी ऑफ पार्ट देयर ऑफ विच इज नॉट रिपैट्रिएटेड विद इन द टाइम अलाउड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92 सी ऑफ द एक्ट शैल बी कंप्यूटेड। अब ये इंटरेस्ट का रेट बता रहे हैं, एट 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड लैंडिंग रेट ऑफ SBI ऑन 1st April ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 320, ये हो गया, वेयर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी। तो इंडियन रूपी में तो क्या करिए, 1 ईयर का जो SBI का मार्जिनल लैंडिंग रेट है उसमें 3.25% ऐड कर दीजिए, और अगर ट्रांजैक्शन आपकी डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी में तो लिबोर 6 months लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट ऑन 30th September ऑफ द प्रीवियस ईयर प्लस 300 basis point 3%। इन केसेस वेयर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी द इंटरेस्ट, ये सब रूल नया आया है 3, पहले लॉ यहां रुक जाता था, पहले सब रूल 3 नहीं होता था, तभी मैंने इंटरप्रिटेशन ली थी कि 90 डेज के बाद इंटरेस्ट लगेगा, बट सब रूल 3 आ गया। द इम्प्यूटेड इंटरेस्ट अंडर सब रूल 2 शैल बी चार्जेबल ऑन द एक्सेस मनी और पार्ट देयर ऑफ विच इज नॉट रिपैट्रिएटेड इन केसेस 1 इन क्लॉज ए ऑफ 2-3 क्लॉज 1 क्या है, जहां सुओ मोटो एडिशन किया आपने, 3 क्या है जहां APA ड्यू डेट से पहले एंटर हो गया है, 4 क्या है सेफ हार्बर रूल्स है, उसमें तो आपको इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब फिर मुझे इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम आ गई, ड्यू डेट है 30th November 2021,
इंटरेस्ट कब से लगेगा? फर्स्ट से लगेगा, 30th नवंबर से लगेगा? लॉ आपके सामने लिखा हुआ है। फ्रॉम द ड्यू डेट लिखा है। इन केस रेफर्ड इन क्लॉज 2 ऑफ सब रूल 1, ये क्या है जो आप पूछ रहे थे? अगर एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील चली गई है तो नहीं, अगर एओ का ऑर्डर है तो जिस दिन एओ का ऑर्डर पास हुआ उस दिन से इंटरेस्ट लगेगा, और अगर अपील में चले गए तो जिस दिन अपील का ऑर्डर पास हुआ उस दिन से लगेगा इंटरेस्ट। इन केस रेफर्ड इन सब क्लॉज बी ऑफ 3, ये क्या है जहां एपीए ड्यू डेट के बाद एंटर हुआ, उस एंड ऑफ द मंथ इन विच एपीए हैज बीन एंटर्ड इनटू, इन केस ऑफ क्लॉज 5 मैप, जिस दिन एओ ने इफेक्ट दिया मैप के रेजोल्यूशन को, पेज 245 पर आइए। एनालिसिस से करिए सारा ये। एक्सेस मनी मींस आमलिन प्राइस डिटरमिंड इन प्राइमरी एडजस्टमेंट 12 करोड़ माइनस प्राइस एट विच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बीन एक्चुअली अंडरटेकन 10 करोड़। 92C कब नहीं लगेगा? सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब नहीं होंगी? अगर असेसमेंट या 16-17 है उससे पहले सालों में हो रहा है, या फिर 1 करोड़ या उससे कम एडजस्टमेंट है, 0.3 करक्स है पूरे लॉ का। रूल मत पढ़िए, मैंने सिंपल कर दिया यहां पर। वे आर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइसेस मेड, ये लोग कर रहे हैं। एक्सेस मनी टू बी रिपेटेड इन इंडिया ऑन और फ्रॉम द 90 डेज फ्रॉम, और इंटरेस्ट भी चार्जेबल होगा इन्हीं डेट से। सो दो चीजें हैं, एक्सेस मनी रिपेट्रिएट की जगह इंडिया में फ्रॉम दीज डेट्स, और अगर नहीं किया गया है 90 डेज के अंदर तो इंटरेस्ट भी चार्ज होगा फ्रॉम दीज डेट्स। तो देखिए ये लेते हैं, ये वाला जहां सुओ मोटो एडिशन किया ससी ने, जहां एपीए के हिसाब से प्राइस निकाला गया है और एपीए एंटर हो गया था बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न सी नोट 1। अभी देखेंगे नोट 1 क्या कहता है। और एक बात और है, एपीए शुड बी एंटर्ड इनटू ऑनर आफ्टर 1/4/17। तो देखिए मैंने एनालिसिस बहुत ध्यान से बनाया है, सब कुछ कवर किया हुआ है इसमें, और एग्रीमेंट एंटर हो गया है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो ड्यू डेट से 90 डेज गिने जाएंगे। जहां सेफ हार्बर रूल्स एंटर किए गए हैं वहां भी ड्यू डेट से 90 डेज गिने जाएंगे। जहां एओ का ऑर्डर है जो असेसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ, जहां एओ ने एडिशन की बट आपने अपील कर दी, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपलेट अथॉरिटी, जहां रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट हो रहा है बाय मैप अंडर 90, जिस दिन एओ ने उस मैप का जो रेजोल्यूशन है उसको इफेक्ट दिया, ठीक है, अब इंटरेस्ट भी यहां से गिना जाएगा, इंटरेस्ट भी यहां से लिया जाएगा, नोट 1 रह गया था हमारा। वेयर एपीए इज एंटर्ड इनटू आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, देन एक्सेस मनी शैल बी रिपेटेड इन इंडिया विद इन 90 डेज, और इंटरेस्ट शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एपीए इज एंटर्ड इनटू। नोट 2, द क्वेश्चन ऑफ 90 डेज फ्रॉम ड्यू डेट्स प्रिस्क्राइब अबव फॉर द पर्पज ऑफ रिपेटेशन मनी शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इंटरेस्ट ऑन एक्सेस मनी। इज दैट लाइन क्लियर? क्या बोलना चाहता हूं मैं,
अगर 90 डेज में ले आए फिर तो बात खत्म, अगर 90 डेज में नहीं लेके आए फिर 90 डेज वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने अपनी लैंग्वेज यूज की थोड़ी सी बेकार है। सो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट वेयर मनी इज नॉट रिपेट्रिएटेड इन इंडिया विद इन 90 डेज, जहां इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डिनोमिनेटेड है इंडियन रूपी में, वन ईयर एस बी आई लैंडिंग रेट प्लस 3.25%, जहां इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डोमिनेटेड है फॉरन करेंसी में, लिबोर रेट ऑन 30th September प्लस 3%। क्लियर है? लॉ यहां खत्म हो जाता था। निर्मला सीतारमन ने कहा कि फॉरनर्स ने बहुत शिकायत की इस लॉ के बारे में, इसलिए वी आर फोर्स टू चेंज दिस लॉ। बेसिकली हम कुछ रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं, वापस आ जाइए। उसने कहा ठीक है, अगर आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज यूएस में है और यूएस के लॉज मना करते हैं पैसा रिपेटेड करने में, तो ठीक है आपकी कोई दूसरी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज है वहां से पैसा ले आइए। हम मान लेंगे कि यूएस एंटरप्राइज से आ गया है, पहला ऑप्शन। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयरबाय क्लैरिफाइड दैट द एक्सेस मनी ऑफ पार्ट थेरऑफ मे बी रिपेट्रिएटेड फ्रॉम एनी ऑफ द एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ द एसएससी व्हिच इज अ नॉन रेस्ट। फाइनेंस एक्ट 19 से रिलैक्सेशन आई, बट फॉरनर्स ने कहा कई केस में हम दे ही नहीं पाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है, हम इंडियन एसएससी ने 2 crore पे तो टैक्स दे ही दिया है, उस पर पेनल्टी भी लग गई होगी 270 वगैरह की, हम ये लॉ और बना देते हैं कि अगर आप पैसा नहीं ला सकते एडिशनल टैक्स दे दीजिए, एडिशनल टैक्स दे दीजिए विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। यानी सबसेक्शन 2 को हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे बिल्कुल भी। वेयर द एक्सेस मनी और पार्ट thereof हैज बीन नॉट repatriated विद इन द prescribed टाइम द assessee मे एट हिज ऑप्शन, उसकी मर्जी है, वो ये भी कह सकता है मैं पैसा वापस लेके आऊंगा, ये भी कह सकता है कि ठीक है मैं पैसा नहीं लेके आऊंगा, पे एडिशनल इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 18% ऑन एक्सेस मनी पार्ट thereof एज द केस मे बी। आप 18% टैक्स दे दीजिए, दिस 18% शैल बी फर्दर इंक्रीज बाय 12% सरचार्ज एंड 4% सेस। This 18% interest shall be further increased by 12% surcharge and 4% cess. So, आपका option है कि आप additional tax दे दीजिए 18% plus 12% surcharge plus 4% cess. आपने ये tax दे दिया, खत्म बात। इतना आसान नहीं है, देखिए ना, जो 2 crore की addition हुई उस पर assessor ने tax दिया होगा रफली 30% जो टैक्स रेट है मेरा, प्लस ये देखिए ये भी कितना आ जाता है अराउंड 22% आ जाता है, प्लस पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग लग गई होगी अगर ईयू ने एडिशन किए होंगे तो। द टैक्स, अच्छा ये जो टैक्स पे किया आपने इसका आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, किस में? तो आपका नॉर्मल इनकम टैक्स है ना, उसके अगेंस्ट इसका क्रेडिट नहीं ले सकते, इंप्लाइड है, तो क्लियर कर दिया हमने। और ना ही इस इनकम टैक्स की डिडक्शन क्लेम करेंगे, ना ही ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा आपका।
द टैक्स ऑन एक्सेस मनी ऑफ पार्ट देयर ऑफ सो पेड बाय द सेसी अंडर सबसेक्शन 2A शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सेस मनी ऑफ पार्ट देयर ऑफ नॉट रिपेटेड एंड नो फर्दर क्रेडिट देयरफॉर शैल बी क्लेम बाय द सेसी और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स सो पेड। ये फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स है और इसका क्रेडिट ना तो असेसी ले सकता ना ही कोई और पर्सन ले सकता। नेक्स्ट, नो डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी अलाउड टू द असेसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड। इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 2A क्या मतलब हुआ? डिडक्शन नहीं मिलेगी इस इंटरेस्ट इस टैक्स वगैरह की आपको। वेयर एडिशनल इनकम टैक्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 2A इज पेड बाय द असेसी ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक सेकेंडरी एडजस्टमेंट अंडर सबसेक्शन 1 एंड कंप्यूट इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 2 फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। ध्यान से देखिए, जब मैंने इलस्ट्रेशन बनाई गलती कर गया था, मैंने दो बार इसे पढ़ा, अपनी गलती मुझे रियलाइज हुई। क्या लिखा है? नहीं, अगर नहीं 2 crore हो तो एवन इनकम बढ़ा दी होगी ना आपकी। आप बुक्स में आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, यानी आप ये नहीं दिखाएंगे कि आपको पैसा फॉरनर से वापस लेना है। बात खत्म हो गई। वेयर एडिशनल इनकम टैक्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 2A हैज बीन पेड बाय द असेसी ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक सेकेंडरी एडजस्टमेंट एंड कंप्यूट अंडर सबसेक्शन एंड कंप्यूट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी नहीं निकालेगा, किस दिन से नहीं निकालेगा इंटरेस्ट? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी जब तक टैक्स नहीं पे होगा इंटरेस्ट तो लगेगा। फिर नहीं, एग्री कर रहे जस्ट? आप एग्री नहीं कर रहे? क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए, फिर तो ऐसे 2 साल बाद टैक्स पे कर देगा। ड्यू डेट पर पे कर दीजिए, बात खत्म। आपको मालूम है ना एडजस्टमेंट हुई है, तो जो आपकी डेट है, जैसे हम 90 डेज गिनते हैं, उस दिन पे कर दीजिए, खत्म करिए बात। जहां से 90 डेज गिनते हम, बर्डन इंडियन एसएससी पे आ गया, इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट और पैसा कमा गया। अब देखिए, अब क्या है, आज मैं फॉरनर से डील करूंगा, वो मुझसे कहता है 2 crore प्राइस कम कर ले, मैं उसे बताऊंगा सर पॉसिबल नहीं है। देखिए, 2 crore प्राइस कम करूंगा, एओ 30% टैक्स लगाएगा मुझे, प्लस 22% ये लग गया मुझे, प्लस 234 बीसी के इंटरेस्ट है, प्लस अगर मैंने खुद ऑफर नहीं की इनकम, ये पकड़ी गई तो 200% पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग है। मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, प्लीज। ओके, एक्सेस मनी होता है डिफरेंस बिटवीन द आर्म लेंथ प्राइस एंड द ट्रांजैक्शन प्राइस। प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होती है? जो टीपी निकाला गया यूजिंग द आर्म लेंथ प्राइस, जिससे इनकम बढ़ रही है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होती है? एडजस्टमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द असेसी एंड द एसोसिएटेड एंटरप्राइज टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन द असेसी एंड द एसोसिएटेड एंटरप्राइज आर कंसिस्टेंट विद ट्रांसफर प्राइस डिटरमिन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट थेयरबाय रिमूविंग इम्बैलेंस बिटवीन द कैश अकाउंट एंड एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द असेसी। क्योंकि बुक्स में आपने 10 crore इनकम दिखाई होगी, सेल दिखाई होगी, जबकि ALP 12 crore है, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करिए 2 crore की, ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टैक्सेबल इनकम रिकंसाइल हो जाए आपकी।
एक काम करिए, सब छोड़िए, अच्छा एक हमारी एक्सप्लेनेशन रह गई थी, एक्सप्लेनेशन रह गई थी पेज 244 पर, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन रुपीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी शैल बी द TTBR ऑफ द करेंसी ऑन द लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज बीन अंडरटेकन। तो अगर ट्रांजेक्शन आपकी डॉलर्स में डिनोमिनेटेड थी तो डॉलर्स को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे बाई यूजिंग द TTBR ऑन द 31st March ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें आपने ट्रांजेक्शन अंडरटेक की है। प्रायर टू, सो अब यहां से पढ़िए, पिछला सारा भूल जाइए, मैंने आपको बेरेक दिखा दिया, यहां से पढ़िए। प्रायर टू अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 19 द एसोसिएट एंटरप्राइज विद हुम द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वॉज कैरिड आउट वॉज टू रिपेट्रिएट द एक्सेस मनी टू इंडिया Within 90 days from the due date, order of AO, final order of the appellate authority. After amendments by Finance Act 19, three options are available now. One, associate enterprise with whom international transaction was carried out can repatriate the excess money to India within 90 days from the prescribed date. Second option, the excess money can be repatriated into India within 90 days from the prescribed date by any of the associate enterprise of the associate which is a non-resident. In other words, excess money can be repatriated by non-resident associate enterprise of the associate with whom international transaction which resulted in primary adjustment was not carried out. Teesra kya hai? Where excess money has not been repatriated by the associate enterprise as per option 1 and 2, a SESI can pay additional income tax 18% on the excess money, further increased by surcharge of 12% and 4% SES. Treatment of tax paid by the associate, this tax will be treated as final payment of tax in respect of excess money not repatriated, and credit for such tax cannot be claimed by the associate or any other person. Assessee cannot claim the tax as revenue expenditure. Assessee shall not be required to make secondary adjustment. Assessee shall not pay the interest from the date of payment of tax. Analysis of amendment relating to APA. Prior to Finance Act 19, secondary adjustments was to be made in assessment as 17-18 future assessment on the basis of any APA. Ab kya kar diye inhone? Any APA in force. Therefore, adjustment must be made even if the APA was entered into before 1/4/17. Finance Act 19 kya provide karta hai? Secondary adjustment tabhi ki jayengi agar APA ke basis pe ho rahi hai aur APA enter hua tha 1/4/17 aur uske baad. ये हमने पूरा एनालिसिस कर लिया। इलस्ट्रेशन देखिएगा, पेज 246। एबीसी लिमिटेड हैविंग एसोसिएट एंटरप्राइज इन यूके नेमली JCB During the financial year 2021, ABC exported goods at the price of 100 crores to JCB. Armland price nikala gaya 110 crores. Transaction was designated in Indian rupee. Discuss the applicability of 92C and the options available to ABC Limited in the following cases. Armland price jo nikala gaya hai, addition kitni ho rahi hai? 10 crore. ये असेसी खुद कर रहा है, दूसरा है सेफ हार्बर रूल्स के हिसाब से हो रहा है, तीसरा है एपी के हिसाब से हो रहा है, जो एंटर किया गया है
1/4/17 के बाद बट बिफोर, ये मैंने डेट क्या लिए है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर एपीए जो एंटर हुआ आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सब कुछ ले लिया मैंने यहां पर, गिविंग इफेक्ट टू द रेजोल्यूशन अंडर मैप, ईओ ने अपना ऑर्डर पास किया 25/5/22 को, बाय असेसमेंट ऑर्डर ऑफ ईओ एक्सेप्टेड बाय द असेसी, ऑर्डर ऑफ ईओ डेटेड था 31/3/22, असेसमेंट ऑर्डर ऑफ ईओ ने 115 करोड़ निकाला बट अपील में सीआईटी प्लस आईटी ने रिड्यूस कर दिया 110 करोड़, हम अब क्या लेंगे डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सीआईटी प्लस आईटीटी एज अ केस में भी विच इज 30 जून 22, प्राइमरी एडजस्टमेंट है 110 करोड़, एक्सेस मनी है 10 करोड़, ऑप्शन वन। अगर सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो रही है तो असेसी ये एंट्री पास करेगा बुक्स में, फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिपेट्रिएशन टू इंडिया विद इन 90 डेज बाय जेसीबी ओके या फिर एनी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ द असेसी, अगर जेसीबी या फिर कोई नॉन रेजिडेंट ए 10 करोड़ रेमिट कर देती है, इन केसेस देखना शुरू करिए 1, 2, 3 बाय 28/22, ये कैसे डेट निकाली गई 30 नवंबर, रिटर्न की डेट होती है 31 दिसंबर के हो गए, माई दिन जनवरी के हो गए, फरवरी के 90 डेज हो गए, तो अगर आप 28 फरवरी से ले आए तो नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, एंट्री क्या डल जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज, 4 में क्या है एपीए एंटर हुआ 1/2/22 तो इसके एंड में आ जाइए 28 फरवरी, वहां से 90 डेज के नहीं 31 मार्च, 30 अप्रैल 61, 29 मई 22, तो मैंने इन क्वेश्चंस पे बहुत मेहनत करके बनाया है ताकि सारे कंसेप्ट्स एक इलस्ट्रेशन में आ जाए। 5 क्या है, मैप, एओ ने मैप को इफेक्ट दिया है 25/5/22, वहां से गिनेंगे मई के हो गए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन मई के हो गए, 6 मई, जून के 36, जुलाई के 31, 67, 23, अगस्त 22, नेक्स्ट एओ का ऑर्डर आया है अब 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर 31 मार्च 22 को पास हुआ, अप्रैल 30, मई 31, 61, जून 29 जून और जहां ट्रिब्यूनल को अपील कर दी थी आपने 30 जून 23 से गिनेंगे जुलाई 31, अगस्त 31, 62, 28 सितंबर, तो इस एग्जांपल में सब कुछ कवर हो रहा है। इफ मनी इज नॉट रिपेट्रिएटेड इनटू इंडिया विद इन 90 डेज, सपोज इन केस 1, 2, 3 मनी इज नॉट रिपेट्रिएटेड इन इंडिया बाय द नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज बाय 28/22, देन इन प्रीवियस ईयर 22 द असेसी शैल कंप्यूट इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मार्जिनल रेट ऑफ फंड ऑफ आरबीआई लेंडिंग रेट इज 8%, अब इंटरेस्ट होगा 3.25% प्लस 11.25%, सिंस ट्रांजेक्शन वॉज डेजिनेटेड इन इंडियन करेंसी, 1, 2, 3 में आप ये एंट्री ऑर्डर लेंगे आप
ये इंटरेस्ट मैंने कब से चार्ज किया है? तीस ग्यारह से चार्ज किया है, इंप्यूटेड इंटरेस्ट है, पर डे के हिसाब से निकाला जाएगा। सो व्हेन वी से इंप्यूटेड इंटरेस्ट, इट मींस डेज के हिसाब से निकाला जाएगा। और मैंने लॉ की लैंग्वेज फॉलो की है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से इंटरेस्ट लगेगा। इंस्टीट्यूट ने भी यही व्यू लिया है। तो यहां से मैंने 31 मार्च तक क्यों किया? ये तो हर साल करूंगा ना मैं, इस साल जो ईयर एंड होगा उसमें तो ये रिकॉग्नाइज करूंगा मैं। ये किस साल की इनकम मानेंगे, प्रीवियस या 31 मार्च 2022 की? टेन करोड़, 11.25 इंटू 122 बटा 365। आई होप क्लियर है आप। ऑप्शन कौन सा पेज है, 247। ऑप्शन टू, अच्छा ऑप्शन टू भी उसमें कवर्ड है कि आप या तो जेसीबी से ले आइए या फिर उसके एसी से ले आइए। नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट यूनिवर्सिटी डिसाइड्स टू पे एडिशनल टैक्स, नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एसएससी इफ ही पेज फ्रॉम हिज ओन पॉकेट एडिशनल इनकम टैक्स विद इन 90 डेज ऑन द प्रिस्क्राइब डेट। इन द अबव एग्जांपल, अगर 28/2/22 तक पे कर देता है तो 180 तो टैक्स बन गया मेरा 10 करोड़ पर, 12% सरचार्ज बन गया, ये सेस बन गया। करेक्ट। देखिए, अगर 90 डेज में वो पे कर देता है तो लॉ क्या कह रहा है, ढंग से पढ़िए। मैंने इस इलस्ट्रेशन में मिस्टेक करके ठीक किया था, जस्ट ना अभी मुंह बना रहे थे कुछ, देखिए शायद आप सही कह रहे थे उस समय। पेज 242 सबसेक्शन 2D देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर एडिशनल टैक्स पे हो गया है, ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक सेकेंडरी एडजस्टमेंट एंड कंप्यूट इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 2। तो मेरा तो हिसाब यह था कि अगर टाइम पे आपने पे कर दिया 90 डेज में, फिर तो सिर्फ जो मेन एडजस्टमेंट है उस पर देना आपने। अगर 90 डेज के बाद टैक्स पे कर रहे हैं फिर तो शुरू से इंटरेस्ट लगेगा, आप शायद उस वक्त यही कहना चाह रहे थे, यही व्यू है मेरा। तो अगर 90 डेज के अंदर पे कर दिया फिर तो 10 करोड़ पे लगेगा, 18 प्लस सरचार्ज। ना तो ये आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, ना ही इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। बट अगर एसएससी 15/3 को पे करता 90 डेज के बाद, फिर एक्सेस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी लग जाता आपका, इस पर आप ये टैक्स देते 18 प्लस 12 प्लस 4। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद दिस नाउ। तो मैंने शायद पहले वही गलती की थी जब मैं बना रहा था कि मैंने यहां भी इंटरेस्ट लगा दिया था, क्योंकि अगर 90 डेज के अंदर पे कर दिया फिर तो कह रहे सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगी नहीं। तो अगर 90 डेज के अंदर पे कर दिया फिर तो 18% प्लस 12 प्लस 4 दे दीजिए, उसके बाद पे किया फिर तो इंटरेस्ट शुरू से देंगे आप, उस पर टैक्स पे देंगे आप। तो ये कंसेप्ट मैं देखिए बहुत धीरे धीरे कराता हूं,
क्योंकि देखिए इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। पेज 249, कोनार्क डिजिटल सॉल्यूशंस एन इंडियन कंपनी इन विच योकोहोमा अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी। जैसे मेरा फेवरेट सिंगापुर है, एग्जामिनर का फेवरेट सिंगापुर ही है। होल्ड्स 30% शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर, एसोसिएट हो गए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 इंडियन कंपनी सप्लाइड लैपटॉप्स टू सिंगापुर बेस्ड कंपनी एट $800 पर पीस। द प्राइस ऑफ लैपटॉप सप्लाई टू अनरिलेटेड पार्टीज इन सिंगापुर इज $1200 पर पीस। 400 डॉलर की एडजस्टमेंट की जाएगी पर पीस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग द ईओ कैरिड आउट प्राइमरी एडजस्टमेंट एंड एडेड अ सम ऑफ रुपीज 130 लाख। 130 लाख कैसे, अच्छा देखते हैं। बीइंग द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द लैपटॉप आर्म लेंथ प्राइस फॉर 500 पीसेस एंड इट वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द असेसी। एडजस्टमेंट हो गई 1 करोड़ से ऊपर की हुई है, प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट का इशू आ जाएगा, असेस ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑन अकाउंट ऑफ दिस एडजस्टमेंट द एक्सेस मनी ऑफ 130 लाख इज अवेलेबल विद योकोहामा सिंगापुर। इन दिस कंटेक्स्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एंड सजेस्ट सुटेबल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इशूज। वॉट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ कोनार्क डिजिटल सोल्यूशंस on the basis that a declared income of 250 lakh and excess money is still lying with Yokohama till today. ये उन्हें कितनी इनकम निकाली है? 380 निकाली ना, तो 130 तो इनकम एडिशन होगा होगा। एज्यूम रेट ऑफ एक्सचेंज $1.65, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग 10.75। कितने से करेंगे इसे, 14 हो जाएगा ये, 65 कितना फर्क आ रहा है, $400 इंटू 65 कितना हुआ, इंटू कितने पीसेस है, कितना आता है, 130 आ रहा है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोनार की इनकम में क्या होगा। वुड टैक्सेबल इनकम ऑफ कोनार्क अंडरगो एनी चेंज इफ द अबव एडजस्टमेंट कैरिड आउट रिजल्टेड इन एडिशन ऑफ 90 लाख। प्राइमरी सेकेंड एडजस्टमेंट नहीं होगी। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ कोनार्क फॉर असेसमेंट 21-22 इफ द एडजस्टमेंट पर्टेन्स टू प्रीवियस 15-16। इतना क्लेवरली एक एक अमेंडमेंट पूछ लिया एग्जामिनर ने। सो ऑन अकाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑफ 130 लाख बाय द ईओ द टोटल इनकम ऑफ मोनार्क वुड इंक्रीज बाय 130 लाख। इन दिस केस सेकंड एडजस्टमेंट शुड बी मेड सिंस कंपनी ने ईओ के एडजस्टमेंट एक्सेप्ट कर ली है। एडजस्टमेंट है असेसमेंट 17-18 ऑनवर्ड्स की 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है। एक्सेस मनी अगर इंडिया में नहीं लेके आते 90 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ ईओ तो ये माना जाएगा इट्स एडवांस मेड बाय कोनार्क टू योकोहामा और इस पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा 14% के हिसाब से। एक मिनट, लिपोर लिखा है मैंने, लिपोर तो नहीं लगेगा ना, नहीं हाँ लिपोर ही लगेगा ना। रेट नहीं दिया यहां पर, देखते हमने क्या लिखा है। सो 30th सितंबर का लिबोर रेट प्लस 3% ऐड होगा। सिंस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज इन डॉलर्स सच इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द टोटल इनकम 250 लाख पर सस्पेंडेड 21-22। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस इंप्लीकेशन एक्सेस मनी
अवेलेबल विद द एसोसिएट एंटरप्राइज मस्ट बी रिपेट्रिएटेड इनटू इंडिया विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ यू एज फॉर फाइनेंस एक्ट 19, ये कोई दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइज भी कर सकती है। और फिर मैंने लिखा है कि यहाँ पर आप एक्स्ट्रा टैक्स भी दे सकते हैं, वही सब बातें लिख दी, क्लियर है। क्वेश्चन टू देखिएगा, सो लेट मी करेक्ट वन थिंग, ये जो इनकम बनेगी ये इनकम तो ऐड होगी असेसमेंट या 22-23 में ऐड होनी चाहिए ना, जब एओ ने ऑर्डर पास किया, ऑर्डर की डेट दी हुई है नहीं आपकी, ये तो जिस ईयर में इंटरेस्ट इनकम एक्रू हो रहा है उस साल में होगा, ये तो 21-22 में तो नहीं होगा, ये तो 22-23 होगा या 23-24 होगा, क्लियर है या नहीं। तो ये तो सिंस इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हमने ये प्रिज्यूम किया हुआ है, बट ये गलत है प्रिजम्पशन। तो फॉर प्रीवियस ईयर है नहीं, ये तो इंटरेस्ट होगा जिस दिन ये ऑर्डर पास करेगा वहां से इंटरेस्ट लगाएंगे हम, वो तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। एक मिनट यहां लिखिए, सपोज डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ इस 15 दिसंबर 2021 और 90 डेज में पैसा नहीं आया तो 15-12-2021 से 31 मार्च 2022 का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये इनकम बनेगी प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 की, एग्री कर रहे हैं। क्वेश्चन टू देखिएगा, न्यू सिलेबस में आया था आपका, एबीसी एन इंडियन एलएलपी सोली एंगेज इन मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट ऑफ इंजन। अरे ये वो है, ये सेफ हार्बर रूल्स पर है, ये सेफ हार्बर रूल्स पर आ गया। पढ़िए एक मिनट जरा, क्या कर रही है, एक्सपोर्ट किसका कर रहा है, इंजन, इंजन पार्ट्स, कूलिंग सिस्टम, इंजन वेल्स, ऑटो कंपोनेंट्स। 72 करोड़ सप्लाई किए एक फॉरेन एलएलपी को, एलएलपी इज कंट्रोल्ड बाय ए बी द पार्टनर्स ऑफ इंडियन एलएलपी इन देयर रिलेटिव्स एसोसिएट बन गए, जो दुबई वाला मैंने केस बताया था आपको। अगेंस्ट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू अबव, इंडियन एलएलपी इनकर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 60 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 4.5 करोड़ बियॉन्ड योर, एक मिनट, आगे पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने। सेफ हार्बर रूल ऑप्ट किए हुए हैं, सेफ हार्बर रूल ऑप्ट किए हुए हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन आना चाहिए था पेपर 6C में, सेफ हार्बर रूल का चैप्टर निकालिए, सेफ हार्बर रूल।
पेज 272, अब ये कोर ऑटो कंपोनेंट्स हैं या फिर नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट्स हैं। कोर की डेफिनेशन होती है इंजन, इंजन पार्ट्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं आपके लिए याद करना, ये तो एग्जामिनर ने अपनी खुंदक निकाली है आपसे। तो यहां पर यही जा रहे हैं, तो मेरे कोर पार्ट्स में आता है। इसमें कितना प्रॉफिट दिखाना होता है आपको? 12% दिखाना होता है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं एज पर कॉस्ट, इसमें दिया हुआ है चैप्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट लेते हैं। यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा? 4.50, और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? 60। कितना आ गया? 7. अगर इतना प्रॉफिट, सॉरी, हाँ, अगर प्रॉफिट दिखाते आप 12% या उससे ज्यादा तो टॉलरेबल था, बट यहां पर आपने कम दिखाया है तो अब सेफ हार्बर रूल के हिसाब से एडजस्टमेंट की जाएगी। असस ने ऑप्ट किया हुआ है ना, तो सेफ हार्बर रूल अडॉप्ट किया, यानी वही लगेंगे आप। अगर उतना दिखा देते तो एडजस्टमेंट नहीं करते, उतना नहीं दिखाया तो हम उतनी एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये एसोसिएट है, इंजन्स वगैरह कोर ऑटो पार्ट्स में आ जाते हैं। यहां दिखाना चाहिए था आपको 12% प्रॉफिट, बट दिखाया 7.5, इसलिए 12% के हिसाब से एडजस्टमेंट कर देंगे हम। सब सेक्शन 2 में क्या पूछा हुआ आपसे? सेफ हार्बर रूल्स नहीं लगते जहां एसोसिएट एंटरप्राइज होती है इन एनजे। इस पार्ट को वाक कर लीजिए एज इंपॉर्टेंट, इसका पार्ट 1 छोड़ दीजिए। तो मैं क्लेवरली पार्ट 1 उड़ा सकता था, आपको पता भी नहीं चलता, बट मैंने कहा बेईमानी नहीं करनी, यू मस्ट नो व्हाट इज द रियलिटी। तो देखिए, वो पॉसिबल नहीं है चार्ट याद करना मेरे लिए कि कोर ऑटो पार्ट्स ये होते हैं। मैं कर भी लूंगा एग्जाम में, फिर नेक्स्ट क्लास पूछ लेगा। ओके, क्लियर है? आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर। ओके, ये जो ओईसीडी वाले बैठे हुए हैं, ओईसीडी, वहां उन्होंने बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पर वो बनाया एक्शन प्लान्स कि किस तरह से मल्टीनेशनल्स प्रॉफिट शिफ्टिंग करती है। एक एक्शन प्लान है, ये फॉरनर्स क्या करते हैं, इनके पास ऑप्शन होता है कि इंडियन एंटरप्राइज की इक्विटी ले, दूसरा ऑप्शन होता है इंडियन इक्विटी को डेट प्रोवाइड करें। सपोज इंडिया में मुझे अपनी एंटरप्राइज की फंडिंग करनी है, $10 million लगाना है, एक ऑप्शन है कि फॉरनर इक्विटी सब्सक्राइब कर देता है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है? डेट प्रोवाइड करता है। ओईसीडी ने कहा कि हमने वर्ल्ड वाइड स्टडी की, फॉरनर ये तरीका निकालता है, फॉरनर ये तरीका निकालता है।
क्यों करता है ऐसी? ना, अगर यहां ये कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड फॉरनर ले जाता है बाहर, तो ये डिविडेंड इंडिया में डिसअलाउ हो गया। डिविडेंड इज नॉट एन अलाउबल एक्सपेंडिचर। और उधर आज की डेट में देखें तो फॉरनर को 20% टैक्स पड़ गया, डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी भी 20% टैक्स लग जाता है। तो देखिए, अगर सपोज 100 करोड़ का डिविडेंड है तो 100 करोड़ ए इंडियन ए को डिसअलाउ हो गए और इधर टैक्स लग गया 20%। ये कहता है डेट लेके आता हूं मैं, 100 करोड़ का इंटरेस्ट अलाउ हो गया और इधर 5% टैक्सेशन लग गया वो 115A में। इस तरह प्रॉफिट शिफ्ट कर गए, बेस इरोड कर गए टैक्स की हमारे, बेस इरोड करके टैक्स की हमारे। 106 कंट्रीज ने मिलकर लॉ चेंज किया, 106 कंट्रीज ने मिलकर लॉ चेंज किया। मैंने शायद इसमें से मेमोरेंडम हटा दिया हुआ, शायद नहीं दिया है मैंने, अभी देख लेते हैं। तो क्या होता है, पेज 253 पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा क्या होता है, देयरफॉर हायर, पेज 253 बोल्ड में देखिए मेमोरेंडम, हायर लेवल ऑफ डेट इन अ कंपनी एंड दस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट पेज, द लोअर विल बी द टैक्सेबल इनकम। अगर डिविडेंड देते तो टैक्सेबल इनकम कम नहीं होती। फॉर दिस रीजन डेट इज ऑफन अ मोर टैक्स एफिशिएंट मेथड ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी। तो ये 106 कंट्रीज ने मिलकर स्टडी की, यही स्टडी हम पेपर 6 में डिटेल में करेंगे। समझ में आ रहा है? सो कंपनी फाइनेंस हो सकती है थ्रू डेट इक्विटी, बट ये लोग क्या करते हैं कि डेट से फाइनेंस करते हैं, ताकि जो डेट पर इंटरेस्ट है इंडियन को अलाउ हो जाए। उधर जो वो इंटरेस्ट लेके गए 5% टैक्स होगा। अगर ये इक्विटी फॉर्म में होता डिविडेंड इंडियन कंपनी को डिसअलाउ हो जाता, इन माय एग्जांपल 100 करोड़, उधर फॉरनर के हाथ में डिविडेंड 20% टैक्स हो जाता। G20 कंट्री साथ बैठी, तो पहले ग्रुप ऑफ 20 था, बाद में 106 कंट्रीज हो गई। OECD ने एक प्रोजेक्ट लिया BEPS एक्शन प्लान 4, और BEPS ने रिकमेंडेशन दी, वो सब मैंने उड़ा दिया है, उन्हें सब उड़ा होते हैं। सो BEPS के रिकमेंडेशंस वगैरह हम पेपर 6 में करें, मैं यहां से हटा दी है। मोटा मोटा समझ में आ रहा है? अब ये कहते हैं कि फॉरनर बहुत चालू होता है, वो क्या करता है, ये जो डेट ला रहा है ना, इस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट मार्केट रेट पे चार्ज करता है, इंटरेस्ट मार्केट रेट पे चार्ज करता है, ताकि टीपी में कोई एडजस्टमेंट ना हो पाए, टीपी में कोई एडजस्टमेंट ना हो पाए। सो पहले मोटा मोटा समझिए क्या इसका वो है। सो फॉरनर क्या करता है, उसे मालूम है टीपी का लॉ है इंडिया में, तो जो लेबर का रेट होता है उसी पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, कहते जी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करो मैं, देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ एडिशन इन टीपी, नो क्वेश्चन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स नाउ। अब ये कहते हैं कि क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, जो इंडियन एंटिटी है, इंडियन एंटिटी है, उसकी अर्निंग्स लेते हैं बिफोर EBITDA, बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स अमोर्टाइज एक्सपेंसेस,
वो ले लीजिए, उसका 30% निकाल लीजिए, इतना इंटरेस्ट अगर आपने फॉरनर को पे किया है तो ठीक है, इससे ज्यादा पे किया है डिसलाउ कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये बेसिकली टीपी एडजस्टमेंट नहीं है। सेक्शन देखिए 92 सीरीज वाला सेक्शन नहीं है ये। अभी जो आपने पढ़ा प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट, वो कौन सा सेक्शन था? 92 सी टीपी का चैप्टर सेक्शन था। ये टीपी का सेक्शन नहीं है, ये तो एक अलग सेक्शन बनाया है इन्होंने अलग चैप्टर में। एम समझ में आ रहा है? मैंने मोटा मोटा समझाया, पढ़ लेते हैं। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, देखिए ये चीजें मैं 10-10 मिनट में कंप्लीट करा सकता हूं, बट बिलीव मी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूं। तो ये मत सोचिए हमारे लेक्चर्स बढ़ रहे हैं, बिलीव मी जब आप MCQs करेंगे, बिकॉज 30 मार्क्स इंटरनेशनल टैक्स इज सब्सटेंशियल। Not withstanding anything contained in this act, where an Indian company, Indian company है या फिर foreigner का क्या है यहां पर? PE है। PE of a foreign company in India, ये कौन है? Borrower है। Incur करती है expenditure by way of interest, उसे कोई भी नाम दे दीजिए आप, interest नाम ना दे के फाइनेंस चार्जेस नाम दे रहे हैं, कुछ भी नाम दीजिए, है इंटरेस्ट ही वो इंटरेस्ट, सिमिलर नेचर। और ये इंटरेस्ट एक्सीड करना चाहिए ₹1 करोड़, ये याद करना है, इंटरेस्ट एक्सीड करना चाहिए ₹1 करोड़। एंड विच इज डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP। ये कौन सा इंटरेस्ट है? टोटल इंटरेस्ट। एक मिनट, इंडियन कंपनी ने PNB से भी लोन लिया हुआ है, इंडियन कंपनी ने अपने फॉरेन एसोसिएट से भी लोन लिया हुआ है, किस कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? पूरा सेंटेंस पढ़िए समझ में आ जाएगा आपको। इंटरेस्ट सिमिलर नेचर एक्सीडिंग 1 करोड़ विच इज डिडक्टेबल अंडर दैट PGP इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉट? डेट इशूड बाय द नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन है आपका? एसोसिएट एंटरप्राइज। इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द सेड हेड टू द एक्सेस इट अराइजेस फ्रॉम एक्सेस इंटरेस्ट एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। यानी जो एक्सेस इंटरेस्ट होगा वो हम अलाउ नहीं करेंगे हम। सबसेक्शन 2 देखिए क्या है। एक्सेस इंटरेस्ट का मतलब क्या है? टोटल इंटरेस्ट पेड पेबल इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बाय द बोर इन द प्रीवियस ईयर। यानी 30% से ऊपर जो इबिटा का, 30% से ऊपर और इंटरेस्ट पेड पेबल टू द एसोसिएट एंटरप्राइज फॉर दैट प्रीवियस ईयर विच एवर इज लेस, वो डिसअलाउ कर देंगे हम, वो डिसअलाउ कर देंगे हम। जल्दी बताइए। सो अगर इंडियन कंपनी या पी ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया बोरोवर है, बोरो कर रही है पैसा किससे? नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज, और इंटरेस्ट पे कर रही है उस NR एसोसिएट एंटरप्राइज को, वो इंटरेस्ट जो डिडक्टेबल है अंडर द हेड PGP, तो एक्सेस इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा।
इन सिंपल वर्ड्स कितना इंटरेस्ट अलाउड? अप टू 30% ऑफ एबिटडा, ठीक है। सो 1 करोड़ से ऊपर क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट शुड एक्सीड रुपीज 1 करोड़। तो इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं है अगर वो एक्सेस इंटरेस्ट। एक्सेस इंटरेस्ट एल मीन इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटडा और इंटरेस्ट पेड पीपल टू द एसोसिएट एंटरप्राइज फॉर दैट ईयर व्हिच एवर इज लोअर। नहीं नहीं नहीं, जो टोटल इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं एसोसिएट एंटरप्राइज नॉन रेजिडेंट को, डेट शुड एक्सीड 1 करोड़। तो जो टोटल इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट ए को एसोसिएट एंटरप्राइज को, डेट शुड एक्सीड 1 करोड़। एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया में है ए लिमिटेड, एसोसिएट एंटरप्राइज यूएसए में है बी लिमिटेड, ठीक है ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका है, अगर ये इसको लोन देती है तो सेक्शन 94 भी लग जाएगा। अगर 100 करोड़ का लोन देना है तो 94 भी लग जाएगा। तो ये क्या करते हैं? ऐसा नहीं करते। ये जो कंपनी है इसके पास एक एफडी रख देती है 100 करोड़ की और इसको बोलती है कि आप लोन दे दीजिए। या फिर बैंक ऑफ अमेरिका को कहती है हम एफडी नहीं दे रहे, गारंटी कर देते हैं आपको, गारंटी कर देते हैं कि ये लोन हम गारंटी कर रहे हैं। तो ये फॉरनर क्या चालाकी कर रहा है? अनरिलेटेड पर्सन के थ्रू दिखा रहा है एंड दे फॉर लॉसेस बिकॉज यहां टीपी तो लगता ही नहीं ना, यहां टीपी तो लगता ही नहीं इस सेक्शन में। फॉरनर तो बिल्कुल ये इंश्योर करते हैं कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। सो प्लीज माइंडेड, यहां टीपी का इशू नहीं है। यहां तो क्या हो रहा है, ये सही रेट पर इंटरेस्ट दे रहा है। सिर्फ ये जो डेट फाइनेंसिंग है जिससे इंडिया की टैक्स बेस इरोज हो रही है उसको हम रोक रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डेट इज इश्यूड बाय अ लेंडर, बैंक ऑफ अमेरिका, विच इज नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, बट एसोसिएट एंटरप्राइज क्या कर रही है? आइदर प्रोवाइड्स एन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट गारंटी टू द लेंडर और डिपॉजिट्स अ कॉरेस्पॉन्डिंग मैचिंग अमाउंट ऑफ फंड्स विद द लेंडर, सच डेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इश्यूड बाय द एसोसिएट एंटरप्राइज। ये हो गया ना। अगर ये एंटरप्राइज बैंक ऑफ अमेरिका के पास 100 करोड़ की एफडी रख देती है या 100 करोड़ की गारंटी दे देती है कि हम गारंटी कर रहे हैं ये वाला लोन, तो अब ये आउटसाइडर लोन दे रहा है, बट हम मानेंगे क्या ये लोन इसने दिया है? प्रोवाइडेड विद द डेट इज इश्यूड विद द लेंडर विच इज नॉट एसोसिएटेड but an associate enterprise either provides implicit or explicit guarantee to the lender or deposits a corresponding and matching amount. of funds with the lender. Such a debt shall be deemed to have been issued by the associate enterprise. I don't remember कि ये paper 7 में आया question या paper 6C में आया, लिख लीजिए। एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया में है,
एसोसिएट एंटरप्राइज यूएसए में है, एक अनरिलेटेड यूएस बैंक है, ये इसके पास एफडीआर रखता है 50 करोड़ की, और ये इसे लोन दे देता है 100 करोड़ का। सो आई डोंट रिमेंबर दिस केम इन पेपर 6 या पेपर 7, देख लेते हैं, बट ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा। इंटरेस्ट रेट है लेट्स से 8%, क्या व्यू है आपका, जल्दी बोलिए ना। ये काम करें, फिगर थोड़ा चेंज कर लें, 60 कर लेते हैं, 60 कर दीजिए, 60 कर दीजिए। इंस्टीट्यूट अपने आंसर में दो व्यू देती है। इंस्टीट्यूट कहती है अगर आप लॉ पढ़ें तो लॉ में लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंड मैचिंग अमाउंट ऑफ फंड शुड बी मेड अवेलेबल। तो इंस्टीट्यूट कहती है एक व्यू ये है कि ये लोन इस इंटरेस्ट इस लोन पर ये सेक्शन नहीं लगेगा बिकॉज मैचिंग अमाउंट नहीं दिया गया। फिर इंस्टीट्यूट कहती है सेकेंड व्यू, कहती है इससे तो लॉ डिफीट हो जाएगा, ये 99.9 करोड़ का एफडी देंगे, 100 करोड़ का लोन दे दिया, मैचिंग अमाउंट नहीं है तो लॉ डिफीट हो गया इससे तो। इसलिए दिस इज द सेकेंड व्यू इज कि जो इंटरेस्ट कवर्ड है बाय 94B, कितना लेंगे आप, 60 करोड़ इंटू 8%, लिख लीजिए। नहीं, फिर तो आसानी से लॉ ऑफ डिफिट होता है हमेशा। इफ यू सी द लैंग्वेज इट सेज डिपॉजिट कॉरेस्पॉन्डिंग मैचिंग अमाउंट, मैंने बताया व्यूज दोनों पॉसिबल हैं। आपको बताया ना मैंने, ये प्लीज 94B शुरू करने से पहले मैंने क्या बताया, यार टीपी की बात ही नहीं है। प्लीज देखिए, ये जो सेक्शंस हैं इनको लिटरली मत पढ़िए, सेक्शन के पीछे पूरा एक BEPS प्लान है। 106 कंट्रीज ने ये लॉ एक साथ अडॉप्ट किया कि फॉरनर्स इक्विटी फाइनेंसिंग ना करके डेट फाइनेंसिंग करते हैं। यहां पर उसने खुद फाइनेंसिंग ना करके बैंक से फाइनेंसिंग करा दी, उतना अमाउंट दे दिया इनको। यही कह रहे हैं कि मजबूर करें कि आप इक्विटी की तरह पैसे लेके आइए, अगर नहीं भी लेके आ रहे डिसलाउंस इंडियन कंपनी फेस करेगी। And please see, don't you think 30% of EBITDA is enough? Company जो कमा रही है before interest, depreciation, taxes, amortization, उसका 30% तक वो कह रहा है फॉरनर को पे कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहते हो आप? हो रहा है क्लियर ना? ओके, सब सेक्शन 3 देखिएगा, सब सेक्शन 3 देखिए क्या है। नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 अप्लाई टू इंडियन कंपनी और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेन कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस। कौन बैंकिंग इंश्योरेंस का काम कर रहा है?
एसोसिएट एंटरप्राइज है, डीबीएस आज 100% शेयर होल्ड करता है, ये लोन दे रहा है, 100% इक्विटी होल्ड कर रहा है, ये लोन दे रहा है, क्या होगा? 94B नहीं लगेगा, बिकॉज ये तो बैंकिंग बिजनेस है। क्योंकि फ्रेंकली ऐसा ही हुआ है, आज डीबीएस के पास, डीबीएस इंडिया के पास पैसा नहीं है, तो पैसा कैसे आ रहा है? बाहर से आ रहा है, डीबीएस सिंगापुर से, और वो लोग डेट की तरह ला भी रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहां बिजनेस ऑफ बैंकिंग ही है। क्लियर? सो सबसेक्शन 3 कहता है ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर इंडियन कंपनी है, जो इंडियन पी है नॉन रेजिडेंट की, फॉरेन कंपनी की, वो बिजनेस करती है बैंकिंग का या इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है। नेक्स्ट पढ़िए। अच्छा सुनिए, आपको ये परमानेंट डिसअलाउंस नहीं कर रहा है। सपोज आपने फॉरनर को, जो आपका ए है, इंटरेस्ट पे किया 40 करोड़, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन जो भी मतलब अमोर्टाइजेशन इज 100 करोड़, क्या होगा? 30 करोड़ अलाउ हो जाएगा, 10 करोड़ डिसअलाउ हो जाएगा, बट लॉ कहेगा इस 10 करोड़ को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आपके लिए, लॉ कहेगा इस 10 करोड़ को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आपके लिए, और अगले साल अगर इस तरह का फैक्स है, जो इंटरेस्ट दिया आपने वो था 18 करोड़ और इबिटा है 100 करोड़, तो क्या होगा? 30%, 30 करोड़, 18 + 10, पिछले साल का मलाव कर देंगे आपको। नहीं, अगर ये होता तो 28 होता, तो 2 हम पिछले साल का अलाउ कर देंगे, यहां 30 अलाउ कर देंगे, और कितना बचा? 8 अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो देखिए, ये अमेंडमेंट्स जो है ना, ये ऐसे समझ में नहीं आती, इसका जब तक बैकग्राउंड पीछे नहीं होगा आपके, एग्जामिनर भी आपसे बैकग्राउंड टेस्ट करके केस स्टडी बनाएगा, बनाई है उसने। पढ़िए page 253, where for any assessment your interest expenditure is not wholly deducted against the interest against the income under that PGAP, so much of the interest expenditure as has not been deducted shall be carried forward to the following assessment year or years and shall be allowed as deduction against the profits gains if any of business profession carried on by the assessee accessible for that assessment to the extent of maximum allowable expenditure interest computed as per subsection 2. और ये जो आप इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितने साल के लिए करेंगे? मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर्स। तो कोई हार्डशिप भी नहीं आपके लिए। डेट का मतलब क्या होता है? डेट मींस एसोसिएट एंटरप्राइज, जो हमने टीपी में डिफाइन की थी। डेट मींस एनी लोन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंस, लीज, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, एनी अरेंजमेंट दैट गिव्स राइज टू इंटरेस्ट, डिस्काउंट्स और अदर फाइनेंस चार्जेस दैट आर डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर दैट चार्ज पीजेपी। सो फाइनेंस लीज भी इंटरेस्ट लोन मानी जाती है, या इन्होंने फाइनेंस लीज अलग बना लिया। इस डेफिनेशन को मैं ब्लो अप करूंगा paper 6C में, इस डेफिनेशन को ब्लो अप करेंगे, जबरदस्त इस पे एनालिसिस करेंगे डेट क्या होता है।
फटाफट देखिए, मैं वर्बेटिम नहीं पढ़ा, सुना रहा हूँ, पढ़ पढ़ के आप वैसे बता रहा हूँ। एनालिसिस में ये लगता है कि इंडियन कंपनी को या फिर पी इन इंडिया ऑफ अ फॉरेन कंपनी जो क्या एक्सपेंस इनका कर रही है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको पे कर रही है, फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज। ये सेक्शन तभी लगेगा अगर जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं आप फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड रुपीज 1 करोड़। अगर एसोसिएट एंटरप्राइज लोन नहीं दे रही, सेक्शन नहीं लगेगा। अगर लोन आपको अनरिलेटेड पार्टी से आ रहा है और अनरिलेटेड पार्टी को क्या किया फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइज ने, लोन गारंटी कर दिया या फिर उसके पास इक्विवेलेंट अमाउंट का डिपॉजिट कर दिया, तो ये माना जाएगा जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका को यूएस में, जो अनरिलेटेड पार्टी है, वो आपने एसोसिएट एंटरप्राइज को पे किया है, ये सेक्शन लग जाएगा आपका। अगर फॉरेनर ने 60% लोन गारंटी किया था तो इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका को, उसका 60% इस सेक्शन में गवर्न्ड है। सो एक्सेस इंटरेस्ट विच इज नॉट डिडक्टेबल इज टोटल इंटरेस्ट पेड पीपल टू द एनआर लेस, लेस क्या करेंगे हम, 30% ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी इबिटा, और इंटरेस्ट एक्चुअली पे टू द एसोसिएट एंटरप्राइज, विच एवर इज लोअर। इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज डिडक्टेबल इज 30% ऑफ इबिटा या फिर जो इंटरेस्ट पे किया, जो भी लोअर है आपका, ये सबसे सिंपल है, ये सबसे सिंपल है। तो इन ट्रांजैक्शंस पे टीपी लग सकता है अगर आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं हुई है, टू द एक्सटेंट कॉन्ट्ररी, ओवररूलिंग होती है टू द एक्सटेंट कॉन्ट्ररी। क्या करिए आप, इंटरेस्ट जो आपने एसोसिएट एंटरप्राइज को निकाला पे किया वो निकाल लीजिए, एबिटा कंप्यूट कर लीजिए, उसका 30% निकाल लीजिए, फिर क्या करिए आप, लोअर ऑफ इंटरेस्ट और एबिटा वो ले लीजिए, एक्सेस इंटरेस्ट इज ए माइनस डी। इंटरेस्ट पे टू एसोसिएट एंटरप्राइज टू एबिटा है 20, पता ही क्या होगा, इसका 30% कितना हो गया 6, तो क्या होगा, कुछ डिसअलाउ नहीं होगा। अगर एबिटा होता 6 देन 6 3 1.8 पॉइंट टू डिसअलाउ हो जाता, कैरी फॉरवर्ड हो जाता। अगर इंडियन कंपनी या पी ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया बिजनेस कर रही है बैंकिंग का या इंश्योरेंस का, तो सेक्शन नहीं लगेगा। नीचे देखिए एग्जांपल वन, व्हाट इज एबिटा, ये ऐड करूंगा 7 में, करूं या नहीं, 120 माइनस 60 कर लीजिए, कितना हुआ 60 का 30% कितना हुआ 18, पे कितना किया आपने 21, तो 3 डेसिमल हो जाएगा,
तीन साल को, अगले तीन करोड़ को 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सपोज ईयर टू में ये पोजीशन है मेरी, व्हाट इज एबिटा 50, 30% कितना हुआ 15, कितना पे किया आपने एनआर को 13, कितना अलाउ हो जाएगा आपको, पिछले तीन में से 2 अलाउ हो जाएगा, यहां पर 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये मैंने क्या किया नीचे, वही है ठीक है। अब देखिए एक दिक्कत आई, मेरी कंपनी है इंडिया में, ठीक है, डीबीएस सिंगापुर से लोन बड़ा सस्ता मिलता है। मेरी कंपनी ने 100 करोड़ का लोन ले लिया बिजनेस करने के लिए, वीजीएलडी के टोटल एसेट्स है 150 करोड़, डीबीएस को मैं जानता भी नहीं, डीबीएस बहुत बड़ा बैंक है, ये तो बहुत छोटी सी कंपनी है, डीबीएस आगे 0.0001% भी नहीं होगी, नहीं नहीं लॉ में लिखा है, बैंकिंग पे नहीं लिखा था कि वो अगर इंडियन कंपनी बैंकिंग करती है तो नहीं लगतेगा, लॉ कहता है सेक्शन नहीं लगेगा अगर इंडियन कंपनी बैंकिंग बिजनेस कर रही है, इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है, या तो वीजीएलडीआई प्रोफेशनल कोर्सेस कराती है। अब मैंने इनको इंटरेस्ट पे किया 8 करोड़ रुपए का, मेरे जो एबिटा आ रहा है वो आ रहा है मान लीजिए 15 करोड़। अब मैं इस जगह फंस जा रहा था, ध्यान से देखिए अपने आप करिए, मैं नहीं कर रहा हूं भाई। मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगी, नहीं लगनी चाहिए वैसे, ये तो बहुत बड़ा बैंक है, लोन लिया है मैंने। अब अगर यहां पर एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या था जो 92A में डिफाइंड है, बताइए, एसोसिएट एंटरप्राइज बन गई नहीं वीजीएलडी की, मोर देन 51% एसेट्स आर फाइनेंस्ड, इसलिए मुझ पर ये डिसअलाउंस लग जाएगा। क्या मैं डीबीएस से कहता मुझे इक्विटी दे दीजिए, इंटेंट थी नहीं यहां, तो यहां मेरी लॉ को जो जिस बेसिस पे लॉ लाया गया वैसा मुझे डिफीट करने का कोई इंटेंट ही नहीं है, बट मुझ पर 94B का डिसलाउंस लग जा रहा था, फाइनेंस एक्टिविटी ने इसे ठीक किया। पेज 252 सब सेक्शन 1A लेके आए, सब सेक्शन 1A लेके आए, इन 94B नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एनी इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डेट इशू टू द लेंडर व्हिच इज अ पी इन इंडिया ऑफ अ
नॉन रेजिडेंट बींग पर्सन एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग। सो ये सेक्शन नहीं लगेगा जहां इंटरेस्ट पे करें इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इशू टू द लेंडर। लेंडर कौन है? पी इन इंडिया ऑफ अ नॉन रेजिडेंट बींग पर्सन एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग। तो अगर मैं डीबीएस के इंडिया ब्रांच से भी लोन लेता हूं तो भी मुझे सेक्शन लग जा रहा था, पीस ले रहा हूं मैं, एंड देयरफॉर दे हैव क्लेरिफाइड ये सेक्शन नहीं लगेगा इस केस में। देखिएगा पेज 255, ये मैंने यहां से ही समझाया, यहां से ही समझाया। लेट अस सपोज बैंक ऑफ अमेरिका यूएस इज अ ब्रांच इन इंडिया। द ब्रांच इन इंडिया गिव्स अ लोन ऑफ 100 करोड़ टू वीजीएलडीआई विच हैज नो कनेक्शन विद बैंक ऑफ अमेरिका। द टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ वीजीएलडीआई इज 150 करोड़। नाउ द लोन गिवन बाय ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ वीजीएलडीआई। देयरफॉर बैंक ऑफ अमेरिका का जो इंडियन ब्रांच है और वीजीएलडीआई जो है एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए। एन अमेंडमेंट से पहले मुझे डिसअलाउंस फेस करना पड़ेगा 94B के हिसाब से। सिमिलर इश्यूज आर आल्सो बीइंग फेस्ड बाय पीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया हु बोरोड मनी फ्रॉम अनदर पी ऑफ फॉरेन कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग। फाइनेंस एक्ट 20 ने प्रोवाइड कर दिया है दैट प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू केसेस वेयर नॉन रेजिडेंट लेंडर is a P in India of the non-resident engaged in business of banking. एक क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन देखिए, पेज 258। एक्स एन इंडियन कंपनी ऑन 1/4/20 बोरोड 100 करोड़ फ्रॉम AINC US एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। द सेड लोन इज रीपेबल आफ्टर 10 ईयर्स। लोन इज गारंटेड बाय BINC इनकॉर्पोरेटेड इन US। KINC होल्ड शेयर्स कैरिंग 30% वोटिंग पावर इन बोथ एक्स एंड बी। क्या हुआ? एक्स और बी एसोसिएट बन गए बट लोन तो ए ने दिया है। लोन तो नॉन एसोसिएट ने दिया तो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट ने लोन को गारंटी किया हुआ है, इसलिए माना जाएगा लोन फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एसोसिएट है। देखिए कितनी चलाकी से आपसे एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन पूछ गए, जो मैचिंग अमाउंट वाला कंसेप्ट है वो पूछ गए, और क्या दिया हुआ आपको? प्रॉफिट ऑफ एक्स है 10 करोड़ आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ 5 करोड़, इनकम टैक्स ऑफ 3.40 करोड़। क्या होगा? एबिटा हो गया 10, 15, 18.4 का 30% निकालिए, 5.52 इंटरेस्ट कितना पे किया आपने? 100 करोड़ का लोन है, 1 अप्रैल को लिया गया था, 9 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, 5.52 अलाउ हो जाएगा, 3.48 डिसअलाउ हो जाएगा। ये 10 करोड़ है आफ्टर डेबिटिंग द अबव इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ, ये तीनों मान रहे ना, तीन होंगे सॉरी, ये हो जाएगा मेरा एबिटा हो जाएगा 10,
प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3.4 का 30% निकालिए, 8.22। Therefore, 0.78 crores will be disallowed, 78 lakh will be disallowed. आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको, और सरप्राइज मत होइएगा, इस पर MCQ बनाएगा 100% एग्जामिनर। ठीक, NJA ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करती, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करती हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट इनसे इंफॉर्मेशन मांगता है देने से मना करते थे, कुछ और डिटेल्स मांगना चाहते हैं देने से मना कर देते हैं, नॉन कोऑपरेटिव होते ही। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, मतलब किसी भी कंट्री को गवर्नमेंट हैज टू डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट दैट दिस कंट्री इज अ NJA, नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया है। अभी तक इन्होंने सिर्फ साइप्रस को NJA डिक्लेयर किया था, बिकॉज साइप्रस में इनको पता चला था कि टेररिस्ट फंडिंग होती है, और जब इन्होंने साइप्रस से इंफॉर्मेशन मांगी देने से उसने मना कर दिया, तो गवर्नमेंट ने उठाकर साइप्रस को डिक्लेयर कर दिया एज NJA। बाद में साइप्रस ने राइटिंग में माफी मांगी इंडियन गवर्नमेंट से, बाद में साइप्रस ने इंडियन गवर्नमेंट से राइटिंग में माफी मांगी, और फिर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कैंसिल कर दी। आज ये कंसेप्ट थ्योरेटिकल है, इन द सेंस गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, बट अभी तक आज के दिन कोई नोटिफाइड नहीं है। सो अभी तक इन्होंने साइप्रस को नोटिफाई किया था, और क्या नाम, बाद में नोटिफिकेशन कैंसिल कर दी। अगर आप किसी भी पर्सन इन NJA से डील करते हैं तो हम एज्यूम करेंगे कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज है 92A में, नहीं भी है तब भी हम एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि जो आप डीलिंग कर रहे हैं विद अ पर्सन इन NJA, वो एज्यूम कर लेंगे इट्स एन एसोसिएट एंटरप्राइज, चाहे वो है या नहीं उससे मतलब नहीं है। इन ट्रांजैक्शंस पर हम क्या लगा देंगे, TP लगा देंगे, और TP में जो आपको 3% की रिलैक्सेशन मिलती है ना, वो नहीं देंगे आपको। आई थिंक जो TP में आपको क्वेश्चन मिला होगा वो ये वाला मिला होगा, अभी देख लेंगे। सो जो 3% की आपको वो मिलती है ना, क्या नाम, वेरिएशन, वो नहीं देंगे हम। ओके, आप NJA में कुछ पेमेंट करेंगे तो TDS काटेंगे एट 30% और हायर रेट एप्लीकेबल। बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का MCQs में। सो अगर आप
एन जे ए में पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटेंगे 30% और हायर रेट एस में भी एप्लीकेबल टू द सेसी। अगर रॉयल्टी पे कर रहे हैं आप एनजेए में, अगर रॉयल्टी पे कर रहे हैं एनजेए में, टीडीएस काटेंगे अगर ये फॉरेन कंपनी है देन 40%, टीडीएस की रेट हायर है यहां पर। अगर अगर ये फॉरेन कंपनी है तो किस रेट पे काटेंगे 40%, अगर एनआर है तो 30%। लेकिन जो टैक्स है वो 10% भी लगेगा, जो इसको टैक्स लगेगा वो तो 10% भी लगेगा 115A में। हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, टीडीएस का लॉ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अब ये पर्सन मजबूर हो जाएगा रिटर्न फाइल करिए इंडिया में। आपका हमने हाईएस्ट रेट पे टैक्स काट लिया, टैक्स बनता है 10%, रिटर्न फाइल करिए, आप कौन है हमें पता चल जाएगा। अगर आप टेररिस्ट है, वी विल बी एबल टू मेक आउट। ठीक, तो टीडीएस तो कटेगा 30% हायर रेट पर, बट टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ नॉर्मल जो टैक्स रेट है। वेरी कॉमन एमसीक्यू, एमसीक्यू आप देख नहीं पाते बिकॉज वो छपता नहीं है। ए बी जो एनजेए में एनआर है, इंडिविजुअल है, उसे रॉयल्टी पे करती है। टैक्स ऑन सच रॉयल्टी एंड टीडीएस ऑन सच रॉयल्टी will be A, B, C, D, 40% and 40%, 30% and 30%, 50 lakh की रॉयल्टी पे की। इंडिविजुअल है, टेन पॉइंट फोर प्लस 31.2, सो ए इंडियन कंपनी, बी जो नॉन रेजिडेंट है, क्या नाम, एनजेए में इंडिविजुअल है, उसको रॉयल्टी पे कर रही है। द टैक्स ऑन सच रॉयल्टी ऑन दिस फॉरनर एंड द टीडीएस टू बी डिडक्टेड बाय द इंडियन कंपनी शैल बी ABCD। ये ऑप्शन सही है। कैसे, 50 लाख तक पेमेंट है, सरचार्ज नहीं लगेगा, 115A में रेट 10% है, 10% में 4% से एसेट करेंगे, यह रेट, टीडीएस कटेगा 30%, सरचार्ज लगेगा नहीं, 50 लाख से कम तक है, यह लगेगा 31.2। टेस्टिंग हुई ना बढ़िया आपकी। इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी एनजेए में है, उसको इंटरेस्ट पे कर रही है ऑन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। ₹2 करोड़ का इंटरेस्ट है। टैक्स क्या लगेगा, टीडीएस क्या होगा, फाइव परसेंट टैक्स,
मोर देन 1 करोड़ है, 2% सरचार्ज, 6% हो गया उसका, 4% सेस चार 24, 6.24, 5.10, इसका 4% निकाल लीजिए, 5.30, टैक्स ये लगेगा, टीडीएस क्या होगा, 40% प्लस 2% प्लस 4%। तो देखिए एक एमसीक्यू में पूरी टेस्टिंग कर गया आपकी मैं, तो एमसीक्यू कोई खेल नहीं होता। तो जो मैं इतना टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि होता क्या देखिए ना, कोर्स इतना बड़ा है, हैंडल नहीं हो पाता आखिरी में। आखिरी में क्या है, जो आपने लॉजिक सुने होते हैं ना वो काम करते हैं। वरना मैं क्या है, ये वाला सेक्शन, ये जो था इससे पुराना 94B, 10 मिनट का सेक्शन है क्या उसमें, जो इंटरेस्ट पे करे नॉन एज एन एसोसिएट को 30% इबिटेड निकाल लीजिए, उसके ऊपर डिसलॉग कर दीजिए, खत्म। बट एमसीक्यू में ऐसे नहीं पूछेंगे। जैसे पूछा था मैंने वो मैचिंग कंसेप्ट वाला कि 100 करोड़ का लोन आ इंडियन को, उधर मैचिंग लोन दिया गया 60 करोड़, और फिर आपको ऑप्शन दिए जाते। घबराइए मत, अब आपको समरी भी मिलने वाली है वेरी सून, और एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत एम्बेरसमेंट होगी क्योंकि सब गलत निकलेंगे आपसे, ठीक है। बट पहले टाइम में ऐसे ही होता है, जब दोबारा करेंगे समझ में आ जाएगा कैसे एमसीक्यू पढ़ते हैं, कैसे लॉ को रिकैप्चुलेट करते हैं। बैलेंस ब्रेक की बात करते हैं। कैन यू प्लीज स्टार्ट द क्लास, पेज 260 पर आइएगा। एनजी, ये बेयर एक्ट है, छोड़ दीजिए इसे, बेयर एक्ट छोड़ दीजिए, एनालिसिस से करिए। तो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा और ब्रीफ करूं आपको, ये कंसेप्ट इसलिए लेके आए ये लोग क्योंकि जब इन्होंने स्विट्जरलैंड से इंफॉर्मेशन मांगी, टू देयर सरप्राइज जितने भी इंडियंस थे जिनके बैंक अकाउंट्स थे स्विट्जरलैंड में, वहां बैलेंस आ रहा था $100, जीरो। यानी इन लोगों ने क्या किया होगा, ये पैसा ट्रांसफर कर गए एनजीए कंट्रीज में जो नॉन कॉपरेटिव है, क्योंकि जब बैलेंस ही नहीं अकाउंट में तो गवर्नमेंट क्या करेगी। तो ये पैसा एनजीए में ट्रांसफर हो गया इनके हिसाब से, जो कंट्रीज कॉपरेट नहीं करती है, लाइक साइप्रस। तो जो साइप्रस को इन्होंने नोटिफाई किया था, वो इस वजह से किया था, इनके पास ऑडिट ट्रेल थी कि स्विट्जरलैंड का सारा पैसा साइप्रस में गया है। मान लीजिए आपके पास $1 मिलियन थे, आपने स्विट्जरलैंड से ट्रांसफर कर दिया साइप्रस में, साइप्रस में क्या किया होगा, इस पैसे की एफडी करवा दी, और फिर जो बैंक ऑफ साइप्रस है उसको बोला हमें इंडिया में लोन देते $1 मिलियन का। सो इनके पास ये रिपोर्ट्स थी कि इंडियंस ने पैसा साइप्रस में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, वो पैसा अल्टीमेटली इंडिया लेके आना है बिकॉज साइप्रस अनसेफ है, टेररिस्ट कंट्री है, तो वहां बैंक में एफडीआर करा दी और बैंक से कहा लोन दे दीजिए $1 मिलियन का इंडियन कंसर्न को, हमारी पैसा सेफली इंडिया में ले आए। नाउ
लॉ कहेगा जिसका एनजेएमए से लोन आया है, अगर किसी असेसी के पास इंडिया में एनजेएमए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन आया है, तो इंडियन असेसी सीबीडीटी के ऑफिशियल्स को पावर ऑफ अटॉर्नी देगा कि आप मेरे बिहाफ पर इस बैंक में जाके इंक्वायरी कर सकते। तो अब सीबीडीटी को, तो जिस इंडियन के पास ये लोन आया $1 मिलियन का, ये इंडियन अब सीबीडीटी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को पॉट ऑन ही देगा कि मेरे बिहाफ पर जाकर आप यहां पर बैंक से इंफॉर्मेशन मांग लीजिए। क्यों इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ये? ताकि सोर्स पता चले पैसा कहां से आया इनके पास। कोई भी बैंक इतनी बड़ी लैंडिंग नहीं करने वाला, कोई सिक्योरिटी होगी उसको ट्रेस कर रही है। और अगर आपने पॉट ऑरी नहीं दी, हम ये इंटरेस्ट डिसअलाउ कर देंगे आपको। जो इंटरेस्ट आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे हम। जो भी पेमेंट्स कर रहे हैं आप इस एनजेए में, उसके आपके आपको प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और नहीं किया आपने तो सारा एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हम डिसअलाउ कर देंगे आपको। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन कब लगता है? देयर इज अ कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया विद होम इंडिया डज नॉट हैव इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टैक्सेशन मैटर। यानी हमारे साथ डीटीए नहीं है, टीआईए नहीं है। सच कंट्री एरिया को नोटिफाई किया गया ऑफिशियल गैजेट में एज एनजे। क्यों? हैविंग रिगार्ड टू लैक ऑफ इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद सच कंट्री और टेरिटरी। मैंने बताया अभी तक इन्होंने साइप्रस को किया था, साइप्रस ने माफी मांगी, नोटिफिकेशन कैंसिल कर दी। थ्री, असेसी एंटर करता है ट्रांजैक्शन वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन इज अ पर्सन लोकेटेड इन एनजे। अब ये डिफाइन करेंगे पर्सन लोकेटेड इन एनजे क्या होता है, बिना देखे बताइए, बिना देखे। अगर इंडिविजुअल है तो एनजे का सिटीजन है, कंपनी है तो एनजे में रजिस्टर्ड है, और कुछ अगर यूएस कंपनी की ब्रांच है एनजेए में, दैट ब्रांच इज अ पर्सन लोकेटेड इन एनजे। देखिएगा, पर्सन लोकेटेड इन एनजे शैल इंक्लूड अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट ऑफ एनजे। अ पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल जो फॉर्म हुआ है एनजे में, इनकॉर्पोरेट वगैरह हुआ है, या फिर पी ऑफ अ पर्सन नॉट फॉलिंग इन क्लॉज ए बी, जो पी कहां लोकेटेड है, एनजे। कॉन्सिक्वेंसेस, तो अगर एनजे ए से ट्रांजैक्शन करेंगे आप, तो क्या करेंगे, क्या मानेंगे हम? ऑल द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस विद इन द मीनिंग ऑफ 92A। अगर एसोसिएट नहीं भी हैं तो भी हम डीम करेंगे एज एसोसिएट एंटरप्राइज। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एनजेए के साथ, वो डीम की जाएगी एज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। उसका एएलपी निकाल के एडजस्टमेंट करेंगे, पेनल्टी फॉर मिसरिपोर्टिंग लगा देंगे। और याद करिए, आपको अब प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ जाएंगे उसके। प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स एओ मंगा सकता है, पता चल जाएगा वो है कौन, कहीं वो टेररिस्ट वाला तो नहीं है कुछ। नहीं देंगे प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स तो क्या होगा? 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से पेनल्टी। पॉइंट सी पढ़िएगा। <clears throat>
यहां टीपी लग जाएगी पूरी, लेकिन जो 3% की रिलैक्सेशन मिलती है वेरिएशन की, वो नहीं मिलेगी आपको डिडक्शंस। द सेक्शन क्लासिफाइज डिडक्शंस इन द फॉलोइंग मैनर: पेमेंट्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पेमेंट्स फॉर एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस। क्या बताया मैंने आपको? अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एनजेए में, उससे लोन आया है, तो क्या करेंगे आप? सीबीडीटी के मैम ऑफिशियल को पॉट ऑन ही देंगे कि हमारे ब्याह पे इंक्वायरी कर लीजिए, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट डिसअलाउड। पेमेंट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन प्रोवाइड करता है नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल बी अलाउड अनलेस द असेसी फर्निशेस एन ऑथराइजेशन। ये पॉट ऑन ही होती है। ऑथराइजेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑथराइजिंग द सीबीडीटी और एनी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्टिंग ऑन इट्स बिहाफ टू सीक द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दस डिडक्शन आपको कब अलाउगी इंटरेस्ट की? अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है आर्म लेंथ बेसिस पर, एंड नंबर टू पॉट ऑन ही दी है ऑफिशियल्स को। सिक्स डीटीए नहीं है बट ऑथराइजेशन मिल गई कि आई एम ऑथराइजिंग मिस्टर सुएंसो टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन माई बिहाफ एंड दैट सिग्नेचर्स विल बी अटेस्टेड बाय द इंडियन एम्बेसी। नाउ वहां के बैंक के पास मैं भेजता हूं कि बताइए मुझे अकाउंट की डिटेल दीजिए, सिक्योरिटी की डिटेल दीजिए, देगा वो तो फिर अकाउंट होल्डर के साइन है। डिडक्शन, अच्छा अब आप ये नहीं पूछा आपने कि ये जो लोन आया, लोन कोई साइप्रस का बैंक फ्री में नहीं देगा, गारंटी सिक्योरिटी होगी। और इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, इन्होंने क्या किया, इन बंदों ने स्विट्जरलैंड का पैसा यहां ले गए, यहां एफडी करा के ले आए। अभी तक आपने जो पढ़ा, अगर ऑथराइजेशन नहीं देंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट डिसलॉ हो जाएगा। वो कहेगा होने दे डिसलॉ, क्या फर्क पड़ता है? ये जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स इवेडर है, कहेगा क्या परवाह है, इंटरेस्ट 4% पे करो, डिसलॉ होने दे। अब ये कहेंगे कि इसका सोर्स हमें बताइए, कैसे दिया बैंक ने इतना बड़ा अमाउंट आपको? आप नहीं बता पाएंगे तो ये $1,000,000 हम आपकी इनकम डीम कर देंगे, अनएक्सप्लेन क्रेडिट्स, और वहां टैक्स लगा देंगे। 78% निकलता था मेरा, 60% प्लस 25% सरचार्ज, 75% प्लस 4% से 78% प्लस पेनल्टी। तो लॉ तो इन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया सारे। और कोई पेमेंट कर रहे हैं आप एनजेए में, कोई एसेट खरीद रहे हैं एनजेए से, तो आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं की तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, जो एसेट खरीदा उस पर डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगी। सेक्शन 94(3) प्रोवाइड्स दैट नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर एक्सपेंडिचर और अलाउंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद द पर्सन लोकेटेड इन एनजे शैल बी अलाउड अनलेस द एसेसी मेंटेन्स सच अदर डॉक्यूमेंट्स एंड फर्निशेस द इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। दस कंबाइंड रीडिंग पर एक्सपेंडिचर अलाउंस कब अलाउ होगा? अगर वो
आर्म लेंथ प्राइस बेसिस पर है, एंड नंबर टू आपने प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं और प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दे दी गई है। बताइए, सेवंथ इंपॉर्टेंट है, अगर एनजेए से कोई पैसा आ रहा है, इनफैक्ट आई नो समवन जो इस स्टडी ग्रुप का पार्ट था, उसने कहा कि ये जो इंडियन स्विट्जरलैंड वाले थे, इन्होंने क्या किया है, पैसा ऐसी कंट्रीज में ले गए, वहां बैंक में एफडीआर करके इस तरह से पैसा ले आएंगे लोन की तरह से, या फिर क्या करेगा ए, स्विट्जरलैंड का पैसा अपना दोस्त है बी इन साइप्रस उसके नाम दे देगा और उससे बोलेगा मेरी इंडियन कंपनी में तो इक्विटी लगा ले, 10 रुपए का शेयर प्रीमियम पे इशू करता हूं 1 लाख के, 56 to 7 भी नहीं लगता, बिकॉज एनआर पर 56 to 7 भी नहीं लगता, तो ये पैसा इंडिया में लिया है इस प्रीमियम। आप ये कहेंगे बताइए बी ने ऐसे कैसे पैसा लगा दिया, बी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग प्रूव करिए, उस वक्त पैसा कहां से आया, क्योंकि हुआ क्या होगा, आपका कोई दोस्त वोस्त होगा, कोई जानने वाला होगा, कोई ड्राइवर होगा जहां पर सेट हो गया जाके, उसके नाम पैसा ट्रांसफर किया, इमीडिएटली आपने इंडिया में शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर मनी में दिखाकर 1 लाख पर शेयर पर प्रीमियम पर शेयर अलॉट कर दिए। कहेंगे बताइए इसका सोर्स क्या था, नहीं बता पा रहे, इनकम डीम कर देते हैं आप क्यों। सेक्शन 94A4 प्रोवाइड करता है दैट इफ द सेसी हैज रिसीव्ड और क्रेडिटेड इन सम फ्रॉम अ पर्सन लोकेटेड इन एनजे, कोई पैसा आया, कोई क्रेडिट आया एनजे से, अ सेसी शैल ऑफर एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ दैट सम इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन, उस बंदे के पास ये पैसा कहां से आया वो बताइए हमें, और इन द हैंड्स ऑफ द बेनिफिशियल ओनर If that person is not the beneficial person of the owner of the sums therein, तो जिस beneficial owner से पैसा आया उसके हाथ में बताइए पैसा कहां से आया। If loan आया तो यहां पर मांगेंगे कि बताइए आपको बैंक ने इतना बड़ा लोन कैसे दे दिया विदाउट सिक्योरिटी। If assessee does not offer any explanation, फिर or the explanation offered by him is found to be unsatisfactory, then such sum shall be deemed to be the income of the assessee of the previous year. To illustrate, assessee ko share capital milta $100 million from X, a person located in NJ. Assessee ko explanation deni padegi about the source of $100 million in the hands of Mr. X. Agar Y इंस्टेड ऑफ एक्स बेनिफिशियल ओनर है तो असेसी प्रूव करेगा कि वाई के पास $100 million कैसे आए। आपको कोई भी रिसीट आ रही है उस पर यह सेक्शन लगेगा, वो तो लॉ कह रहा है एनी रिसीट, तो रिसीट चाहे हो इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, लोन, डिपॉजिट, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कवर्ड हो जाएंगे यहां पर। सेक्शन अप्लाइज टू एनी सम इंक्लूडिंग शेयर कैपिटल, लोन्स, डिपॉजिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय ट्रस्ट टू बेनिफिशियरी एटसेट्रा, दैट इज इट इज अप्लाई टू ऑल सम्स वेदर दे आर कैपिटल रिसीट्स और नॉट। TDS मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई पेमेंट करते हैं टू अ पर्सन लोकेटेड इन एनजे तो TDS कटेगा एज पर द सेक्शन हायर ऑफ जो सेक्शन में रेट है, रॉयल्टी भी 10% या फिर रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 195 में या 30%। बताइएगा फॉरेन कंपनी को करें तो किस रेट पे कटेगा,
40%। बट लॉ यार रुक जाता है, ये तो सिर्फ टीडीएस की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स किस रेट पे लगेगा आपको? जो नॉर्मल रेट होता है। अब जो पर्सन इन एनजे है वो रिफंड लेगा, रिफंड लेगा तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी। हाउ एवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट मे बी नोटेड दैट द रिसिपिएंट वुड बी एंटाइटल्ड टू ऑफर सच इनकम एट द लोअर टैक्स रेट गिवन इन सेक्शन 115A टू इलस्ट्रेट ऑल दो पेमेंट ऑफ रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस टू पर्सन लोकेटेड इन एनजे विद होम इंडिया डज नॉट हैव अ डीटीए विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस एट द अफोर्सेड रेट 30-40%। द रिसिपिएंट विल बी लायबल टू टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन 115A दैट इज 10%। द पर्सन लोकेटेड इन एनजे विल हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम टू क्लेम द रिफंड ऑफ द टीडीएस। नहीं, सारी कंट्रीज के साथ हमारा डीटीए टीआईए नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है लास्ट फिगर 108 के साथ हमारा डीटीए था एंड आई थिंक टोटल 13 के साथ हमारा टीआईए है। ये तो सिर्फ 121 है। कंट्रीज तो 600 से, कंट्रीज और टेरिटरीज तो 600 से ऊपर है। अभी डिक्लेयर नहीं किया। ये लॉ भी OECD के कहने पर आया था, क्योंकि OECD की एक स्टडी टेरर फंडिंग पे भी है, तो वहां टेरर फंडिंग को रोकने के लिए इन्होंने सभी कंट्रीज ने ये लॉ अपने लॉज में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। जैसे आपको शायद मालूम हो ईरान के अगेंस्ट पूरा वर्ल्ड हो गया है और आज पूरा प्रेशर है कि ईरान को एनजे डिक्लेयर करे पूरा वर्ल्ड। तो जहां ईरान को एनजे डिक्लेयर कर दिया फिर तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका सेफ हार्बर रूल्स है। सेफ हार्बर रूल्स आप नहीं कर सकते, बट लिखिए डू ओनली पेज 276। ये सेफ हार्बर रूल्स है। अगर असेसी ये वाले प्रॉफिट्स दिखाते इतने परसेंटेज तो क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, हम टीपी नहीं लगाएंगे। पेज 276। असेसी को की नोट्स पड़ेगा, की नोट्स। सो सिर्फ ये चार की नोट्स करने आपने, असेसी हैज टू मेक एन एप्लीकेशन टू द एओ इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म दैट ही वांट्स टू अडॉप्ट सेफ हार्बर रूल्स। सुन लीजिए, एओ को बताएंगे कि मैं ऊपर कौन से क्लॉज में फॉल करता हूं, एओ को प्रूव करेंगे मैं कौन से क्लॉज में फॉल करता हूं, और अगर आप उस क्लॉज में फॉल कर रहे होंगे तो एओ विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ द असेसी एंड देन द असेसी विल बी गवर्न्ड बाय द सेफ हार्बर रूल्स। सुन लीजिए, सेफ हार्बर रूल्स का ऑप्शन आप 3 साल के लिए देते हैं। आप ऑप्शन दे जो एक्सरसाइज करते 3 साल के लिए करते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा 3 साल के लिए, बट
पहले साल या दूसरे साल बाद आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, कह सकते हैं मैं अब इनसे गवर्न नहीं होना चाहता, मैं नॉर्मल लॉ में जाना चाहता हूं। थ्री को मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बताइए मैं ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूं, सेफ हार्बर रूल्स में आते हैं, कितना परसेंट प्रॉफिट दिखाना होता है? 12%। मैं पर्सन इन एनजेए के साथ डील कर रहा हूं, क्या मैं सेफ हार्बर रूल्स ले सकता हूं? 0.3 पड़ी। सेफ हार्बर रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू विद एन एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड इन एनी कंट्री और टेरिटरी नोटिफाइड अंडर 94 NJA। तो अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए है विद एनजेए तो सेफ हार्बर रूल्स नहीं ले सकते। या फिर आप ट्रांजैक्शन किससे कर रहे हैं? एक पर्सन लोकेटेड इन नो टैक्स और लो टैक्स कंट्री और टेरिटरी, नो टैक्स लो टैक्स कंट्री और टेरिटरी। सो सेफ हार्बर रूल्स नहीं ले सकते आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विद अ पर्सन लोकेटेड इन एनजीए या फिर पर्सन लोकेटेड इन नो टैक्स और लो टैक्स कंट्री। व्हाट इज नो टैक्स लो टैक्स कंट्री आगे डिफाइंड है? नो टैक्स लो टैक्स कंट्री मींस अ कंट्री टेरिटरी इन विच द मैक्सिमम रेट ऑफ इनकम टैक्स इज लेस देन 15%। सो कंट्री जहां मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इज लेस देन 15% इज नो टैक्स लो टैक्स कंट्री। लास्ट, देखिए सेफ हार्बर रूल्स ऐसे नहीं हो पाएंगे। प्लीज सेफ हार्बर रूल्स पर पूरा एक लेक्चर चाहिए होता है और वहां पर मैं आपको तैयारी कराऊंगा पेपर 6 से, मैं ये मान के किताबों पे सामने होगी। सेक्शन 92 रिक्वायरिंग एवरी पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टू कीप मेंटेन प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन एंड सेक्शन 92 रिक्वायरिंग सच पर्सन टू ऑब्टेन रिपोर्ट फ्रॉम द अकाउंटेंट एंड फर्निश बिफोर द स्पेसिफाइड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड द मैनर शैल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट असेसी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर सेफ हार्बर रूल्स। क्या कह रहे हैं मतलब, अगर आपने सेफ हार्बर रूल्स फॉलो भी किए हैं तो भी आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ेगी एंड टीपी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। देखते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में है अभी तक। एक तो चैप्टर 2 या 3 जो मैंने आपको दिया था उसमें था, निकालेंगे प्लीज। चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में था शायद, इंटरेस्ट वाले में होगा। सेकंड में नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन 10 पेज 61 क्वेश्चन 10। अ नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन 1047 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पेज इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख टू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस, यूएस कंपनी इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 फॉर अर्निंग द इंटरेस्ट फंड ऑल्सो पेज 3 लाख टू मिस्टर एक्स हु इज अ रेजिडेंट ऑफ एनजे, क्या होगा? जो यूएस कंपनी को पे किया उसे 5% टैक्स लगेगा, टीडीएस भी 5% कटेगा, प्लस 4% सेस, और जो एनजेए में पे किया है वहां पर
30% TDS इंडिविजुअल को पे किया है, 4% सेस, बट इंटरेस्ट टैक्स होगा ओनली एट द रेट ऑफ 5%, रिफंड मिल जाएगा इसे। देखिए हाउएवर वाला आंसर, आंसर में हाउएवर देखिए, ठीक है। एक आज हम वो कर रहे थे ना चैप्टर, कौन सा था अभी, टीपी के बाद आज हम किया था ना, सेकेंड एडजस्टमेंट था शायद, पेज 250, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 देखिए। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेफ हार्बर रूल्स इफ फॉरेन एलएलपी इज लोकेटेड इन एनजे। सेफ हार्बर रूल्स यूज नहीं कर सकते बिकॉज लॉ प्रोवाइड करता है अगर डीलिंग हो रही है विद द पर्सन इन एनजे या फिर लो टैक्स नो टैक्स कंट्री वाले रेजिडेंट से, इन केस सेफ हार्बर रूल्स कैन नॉट बी ऑप्टेड। क्लियर है? पेज 358 पर आइए, 2-3 मिनट लगेंगे इस चैप्टर को करने में। मैक्सिमम 5 मिनट लगने चाहिए इस चैप्टर को करने में। ये सब कुछ मैंने आपको कराया हुआ है, मैंने क्या किया है एक जगह इकट्ठा कर दिया। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसे इंडियन कंपनीज बिजनेस ट्रस्ट इशू करती हैं, ये डिनोमिनेटेड होते हैं इंडियन रूपी में, जब वापस होंगे तो फॉरेनर को क्या मिलेगा, इंडियन रूपी, बट वो सब्सक्राइब करने के लिए फॉरेन करेंसी लेके आएगा, जब रिडेम्पशन होगी इसे इंडियन रूपी मिलेंगे, इंडियन रूपी को वो कन्वर्ट करके अपनी कंट्री ले जाएगा। इंडिया को क्या फायदा होता है इससे, इंडियन कंपनीज फॉरेक्स के फ्लक्चुएशन से शील्ड मिल जाती है उनको। 10-4C किया था आपने, मोदी का बर्थडे 31 मार्च 19 तक बॉन्ड्स इशूड है तो इंटरेस्ट हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर बॉन्ड्स इस पीरियड के अलावा इशूड है तो टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5% अंडर 115A, टीडीएस कटेगा 5%। अगर ये बॉन्ड्स आपने खरीद के बेच दिए तो फर्स्ट प्रोविजो 248 मिल जाएगा, टीटीबीआर टीटीएसआर में जो कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, एक आपने फिफ्थ प्रोविजो 248 की थी, उसमें याद है क्या था कि जो आप बॉन्ड, सपोज आपने 1 लाख के बॉन्ड लिए, उस समय डॉलर रेट था 100 रुपए, 100 रुपए का था एक डॉलर, 1 लाख का बॉन्ड लिया यानी $10 कितने लेके आए आप, $1,000 लेके आए, रिडेम्पशन 1 लाख की हो गई आपको, बट उस समय रुपये अप्रिशिएट कर गया, $1 हो गया लेट्स से 90 रुपीज, अब आपको ज्यादा डॉलर्स मिल जाएंगे। क्या पढ़ा था आपने इस प्रोविजो में कि जो गेन होगा बिकॉज ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ रुपी उसे एग्जाम कर देंगे हम, ये वही इलस्ट्रेशन मैंने कॉपी की हुई है। अगर ये बॉन्ड्स इंडिया से बाहर बिकेंगे फ्रॉम 1 NR to another NR, कैबियंस एग्जाम्ड, अगर ये बॉन्ड्स बिकेंगे इन IFSC में स्टॉक एक्सचेंज है और कंसिडरेशन इज पेबल इन फॉरेन करेंसी, कैबियंस एग्जाम्ड है, और RDB अगर FII ने क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ने लिए है उस पर इंटरेस्ट रेट 5% है, TDS भी 5% हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपने स्टैगर्ड लॉ किया था मैंने एक चैप्टर में इकट्ठा कर दिया।
DBS सबसे बड़ा बैंक है सिंगापुर का, इनफैक्ट एशिया का, और इंडिया में उसकी अभी तक ब्रांच थी। DBS की पहले इंडिया में ब्रांच थी, इसे इन्होंने कन्वर्ट किया कि इसमें DBS इंडिया लिमिटेड में, यानी ब्रांच कन्वर्ट हुई कंपनी में। बेसिकली ब्रांच कौन ओन कर रहा था? DBS सिंगापुर। ये एक 100% सब्सिडी बनाई गई, इसको ऐसे ट्रांसफर हो गए, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडी है। कैप गेंस 47(4) में एग्जेम्प्ट है। होल्डिंग सब्सिडी को अगर ऐसे ट्रांसफर करती है, देयर इज नो कैप गेन। अगर होल्डिंग इसके 100% शेयर ओन करती है, सब्सिडी एन इंडियन कंपनी। बट DBS ने कहा हमें ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज जहां 47(4) लग जाता है, वहां EATS लॉक इन लग जाता है। अब DBS सिंगापुर के को इस कंपनी के 100% शेयर्स 8 साल होल्ड करने पड़ेंगे, जो उनके लिए स्ट्रेटेजिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। उन्होंने काम नहीं करेंगे ऐसा। बट गवर्नमेंट चाहती थी कि जितने फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस इंडिया में, वो अपने आप को कन्वर्ट करें इनटू सबसे कंपनी, ताकि उन पर हम कंपनीज एक्ट का ऑडिट लगवा सकें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगा सकें, उनको इफेक्टिवली गवर्न कर सकें। And therefore, page 361, special provisions relating to conversion of Indian branch of a foreign bank into subsidiary company. Where a foreign company is engaged in the business of banking in India. कैसे कर रही है ये? Through its branch situated in India. And such branch is converted into a subsidiary company thereof, being a Indian company, जिसे अब हम नाम देंगे as Indian सब्सिडी कंपनी। और ये सब हो रहा है इन अकॉर्डेंस टू द स्कीम फ्रेम बाय द RBI। देन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, हम सेक्शन 47 को भी ओवररूल कर देते हैं, वो एग्जेम्पशन नहीं देंगे आप। AO फोर्स नहीं कर सकते कि 47(4) लीजिए आप, हम पूरा एक्ट ओवररूल कर देते हैं। And subject to the conditions as may be notified by the government in this behalf. हम पूरा एक्ट ओवररूल कर रहे हैं। AO ये नहीं बोल सकता कि एक कैबियंस 47(4) में एग्जाम कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो मुझ पर 8 साल का लॉक इन लग जाएगा। हम सब कुछ ओवररूल कर रहे हैं, कंडीशंस नोटिफाई कर देंगे सेपरेटली। कैप गेंस अराइजिंग फ्रॉम सच कन्वर्जन शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट या रेलेवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच द कन्वर्जन टुक प्लेस। अब ये ब्रांच अपने एसेट्स ट्रांसफर करेगी इंडियन सब्सिडी को, ट्रांसफर माना जाएगा, हम कैप गेन एग्जाम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोथ। डेप्रिशिएबल एसेट ट्रांसफर होंगे, सेक्शन 50 में कोई कैप गेन आएगा वो हम एग्जाम कर देते हैं। नंबर टू क्या है? अगर इस ब्रांच के पास कोई अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन है, कोई लॉसेस है, मेड क्रेडिट है, ये हम किसको दे देंगे? अब इंडियन सब्सिडी को दे देंगे। तो ब्रांच के पास अगर अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन है, लॉसेस हैं, मेट क्रेडिट है, दैट विल बी गिवन टू इंडियन सब्सिडी कंपनी।
हम कंडीशंस लगाएंगे, नोटिफाई करेंगे, और अगर ये कंडीशंस वॉयलेट हुई तो क्या होगा, ये जो बेनिफिट्स दिए विड्रॉ कर लेंगे, ये बेनिफिट्स विड्रॉ कर लेंगे। वेयर इन अ प्रीवियस ईयर एनी बेनिफिट एग्जेम्पशन और रिलीफ हैज बीन क्लेम्ड एंड ग्रांटेड टू द फॉरेन कंपनी और इंडियन सब्सिडी कंपनी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, फॉरेन कंपनी को क्या बेनिफिट मिले, कैप गेन्स एग्जेम्प्ट हो गया। इंडियन सब्सिडी को क्या बेनिफिट मिले, लॉसेस मिल गए, मेट का क्रेडिट मिल गया, अन ऑफ द डेप्रिसिएशन मिल गई, ये सब खत्म कर देंगे हम अगर वॉयलेशन हुई तो। वेयर इन अ प्रीवियस ईयर एनी बेनिफिट एग्जेम्पशन रिलीफ हैज बीन क्लेम एंड ग्रांटेड टू द फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सब्सिक्वेंटली देयर इज अ फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द स्कीम और इन द नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 1। तो जो आरबीआई की स्कीम नोटिफिकेशन है या जो इस सेक्शन नोटिफिकेशन आई उसकी कंडीशंस वायलेट हुई तो क्या होगा, जो बेनिफिट्स थे वो सारे विड्रॉ हो जाएंगे। सच बेनिफिट एग्जेम्पशन रिलीफ शैल बी डीम टू हैव बीन रॉन्गली अलाउड, ये माना जाएगा हमने सारे बेनिफिट्स गलती से अलाउ किए थे। ईओ मे नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सेक्ट रिकम्प्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसी फॉर द सेट प्रीवियस ईयर एंड मेक नेसेसरी अमेंडमेंट। तो जिस साल में आपने बेनिफिट्स लिए थे उस साल की इनकम रिकम्प्यूट की जाएगी। 154 में चार साल कहां से गिने जाएंगे, जिस साल में आपका फेलियर हुआ है, जिस साल में आपने कंडीशंस फेल टू मीट की है वहां से एंड से चार साल गिने जाएंगे मॉडिफिकेशन करने के लिए। द प्रोविजंस ऑफ 154 शैल एस सो फार एज में बी अप्लाई देयर टू एंड द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स जो उस सेक्शन में लिखा है वो काउंट किया जाएगा फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें फेलियर हुआ टू कंप्लाई विद द कंडीशंस। फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनी है, बैंक ऑफ जर्मनी, ऑपरेट करती है बिजनेस इंडिया में ब्रांच के थ्रू, ब्रांच कन्वर्ट होती है इंडियन सब्सिडी कंपनी में 25 जनवरी 2021 को। बैंक ऑफ जर्मनी का इंडियन ब्रांच ट्रांसफर करता है ऑल एसेट्स टू इंडियन सब्सी। नाउ एज पर 115JG प्रीवियस 21 में कैप गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, लॉसेस इंडियन सब्सी को दे दिए जाएंगे, मैट क्रेडिट इंडियन सब्सी को दे दिया जाएगा। द अबव बेनिफिट्स आर अवेलेबल इफ कन्वर्जन ऑफ ब्रांच इनटू इंडियन कंपनी टेक प्लेस एज पर द स्कीम नोटिफाइड बाय द आरबीआई। Later on, let's say in previous year 22, any of the conditions of the scheme are violated, then ये benefits withdraw कर लिए जाएंगे। 30 जिस साल में benefit दिए थे हमने, कब दिए थे, जो भी साल है 31 मार्च 2021, उसकी income recompute की जाएगी। और rectification कब तक कर सकते हैं, जब failure हुआ उसके end से 4 साल 31 मार्च 2026। अब लॉ में लिखा हुआ था कि कंडीशंस नोटिफाई करेंगे हम, ये कंडीशन नोटिफाई हो गए। इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंडियन ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इनटू इंडियन सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय नोटिफाइज दैट अ फॉरेन कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया थ्रू इट्स ब्रांच सिचुएटेड इन इंडिया Herein after called Indian branch, convert such branch into Indian subsidiary company. The provisions of 115JG 1(2) of the Act shall be applicable to such conversion if the following conditions are satisfied. 1(2) में कौन सी conditions हैं? Clause 1(2) क्या है?
प्रोविजन्स ऑफ क्लॉज वन क्लॉज टू और सबसेक्शन वन और 115 जे जी, ये जो कह रहे हैं कैबियंस एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, लॉसेस मिल जाएंगे, डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, मैक रेट मिल जाएगा, ये सब कब मिलेंगे अगर फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन पढ़िए क्या है, जितने भी इंडियन ब्रांच के पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं दे शुड ऑल बी ट्रांसफर टू द इंडियन सब्सिडी कंपनी। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, कन्वर्शन हुआ 1121 का तो टिल 31st March 21 बैंक ऑफ अमेरिका लिया हमने, क्या नाम के लिए हमने, बैंक ऑफ जर्मनी शुड होल्ड हंड्रेड परसेंट शेयर्स ऑफ इंडियन सब्सिडी कंपनी। उसके बाद कब तक, टिल 31st March 2026 बैंक ऑफ जर्मनी होल्ड्स 51% और मोर वोटिंग पावर ऑफ इंडियन सब्सिडी, वोट कर लीजिए सर, आपको जो नया स्टडी मटेरियल आ रहा है उसमें बड़ा हाईलाइट करके दिया हुआ है, ये एग्जांपल्स नहीं है बट हाईलाइट करके दिया हुआ है, और अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा, मे बी एमसीक्यू बन सकता है ये वाला, पता कैसे एमसीक्यू बनाऊंगा मैं, मैं फ्रेंकली सोच के आया था कि आधे घंटे में आपको प्राइमरी सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, आधे घंटे में लिबरेशन ऑफ इंटरेस्ट और आधे घंटे में मिसलिनियस टॉपिक, बाकी फिर जो बचेगा डेढ़ घंटा उसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करेंगे। अगर एक फॉरेन ब्रांच, फॉरेन बैंक की ब्रांच इंडियन सबसे में कन्वर्ट होती है, द फॉरेन बैंक शुड होल्ड शेयर्स ऑफ इंडियन सब्सिडी एज अंडर 1A 100% शेयर्स फॉर 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, बी 100% शेयर्स फॉर 5 years, सी 1st year प्रीवियस एंड 100%, उसके बाद नेक्स्ट 5 years 51%, डी नन ऑफ द अबव।
एग्जामिनर ये टेस्ट कर गया कि आप ये चैप्टर पढ़ के आए हैं. फॉरेन कंपनी और इट्स नॉमिनी शेल होल्ड द होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द इंडियन सब्सिडियरी कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्शन एंडिंग ऑन द लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कन्वर्शन टेक्स प्लेस एंड कंटिन्यू टू होल्ड शेयर्स ऑफ इंडियन सब्सिडियरी कंपनी कैरिंग नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. Immediately succeeding the said previous year. 3. The foreign company does not receive any consideration benefit directly, indirectly, in any form, manner other than by way of allotment of shares in the Indian company. So, Indian subsidy foreign company ko sirf shares allot karegi, koi cash wagera nahi degi. Aur D kya hai? कि एसेट्स आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे एट बुक वैल्यू. द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द इंडियन ब्रांच आर ट्रांसफर टू द इंडियन सब्सिडियरी कंपनी एट द वैल्यूज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द इंडियन ब्रांच इमीडिएटली बिफोर द कन्वर्शन. और अगर आपने रीवैल्यूएशन किया तो क्या करेंगे? उसका इफेक्ट हटाएंगे. रीवैल्यूएशन किया तो उसका इफेक्ट हटाएंगे. नोट क्या रही है बात? Any change in the value of assets consequent to their revaluation would not be considered while determining the value of assets. So, revaluation effect nullify karenge ya? 56 to 10. Ye keh rahe 56 to 10 lag jayega. 115JG स्टार्ट कैसे होता है? ओवर रूलिंग द एंटायर इनकम टैक्स एक्ट. इसे नहीं लगेगा. 2. द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मेट क्रेडिट computation of income in the case of foreign company and Indian subsidiary company would apply with the following exceptions, modifications, adaptations. For the purpose of allowance of depreciation under 32 of the Act, the aggregate deduction, पढ़ के बताइए क्या कह रहे हैं. इसे नेक्स्ट क्लास में कर ले. इसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं. जस्ट 5 मिनट जनरल बात. 5 मिनट जनरल बात करते हैं. बंद कर दीजिए मॉड्यूल. फाइनेंस एक्ट 20 ने डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट को चेंज किया. डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट को चेंज किया. अभी तक बताइए एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट कब मानते हैं हम? 1, 2, 3. अगर इंडियन सिटीजन है और इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप. चलिए ये नहीं कर पाएंगे. छोड़िए अभी ये नहीं कर पाएंगे. सो फाइनेंस एक्ट 20 ने रेजिडेंशियल स्टेटस में कुछ चेंजेस किए हैं. एक चेंज आया जिससे पूरे वर्ल्ड में तहलका मच गया था. इन्होंने कहा कि एक इंडियन सिटीजन अगर किसी भी कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं है अगर
कोई इंडियन सिटीजन जो बाहर रहता है, अगर किसी भी कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं है, उसे हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया डीम कर लेंगे। पूरा वर्ल्ड हिल गया इस अमेंडमेंट से। सुना था आपने? नहीं? सरप्राइजिंग। सो पूरा वर्ल्ड इस अमेंडमेंट से हिल गया था। फिर बड़े सारे इंटरव्यूज ये निर्मला सीतारमन ने पूरे दुबई में इंडियंस को एड्रेस किया। चैम्बर्स है, वेरियस एम्बेसीज को बुलाकर एड्रेस किया गया कि हमारी ऐसी जो सोच रहे आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो बजट में आया ये था कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, बट आपकी इनकम किसी भी कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं है, तो हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। रेजिडेंट मान लेंगे तो ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो गई। सबसे पहले शोर मचाया दुबई में लेबरर्स ने। आज सारी लेबर क्लास दुबई यूएई में कहां से है? इंडिया पाकिस्तान से सारी। और दुबई में टैक्स नहीं देते ये लोग, इंडिया में भी टैक्स नहीं देते बिकॉज ऑफ डीटीए। अब ये दुबई के जो लेबरर्स ने कहा कि हमें तो यहां 24-25 लाख रुपए की सैलरी मिलती है पूरे साल की, 2 लाख पर मंथ कुछ भी नहीं होता, तो आप रेजिडेंट मान लेंगे हमें, हमारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये एग्जैक्टली हुआ। बिल में यही था। सो पूरे वर्ल्ड में जो इंडियंस बैठे हुए थे, उन्होंने शोर मचाया। मेरे पास एसीसी के कंट्री हेड हैं ओमान में, एसीसी के कंट्री हेड ओमान में जो इंडियन हैं, उनका फोन आया कि मुझे तो 2 करोड़ की सैलरी मिलती है यहां पर, और ओमान में टैक्स है नहीं, इंडिया में हम टैक्स देते नहीं बिकॉज डीटीए है, दैट मींस आई बिकम टैक्सेबल देयर, और 2 करोड़ के अंदर टैक्स तो मेरा 60-70 लाख बन जाएगा, एडवांस दिया नहीं मैंने। तो एवरीवन वाज डिस्टर्ब्ड। निर्मला सीतारमन ने सबसे मीटिंग्स की, कहा हम ये नहीं कहना चाह रहे थे, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियंस टैक्स हेवन में जा रहे हैं, हम उनको टैक्स करना चाहते हैं। सो निर्मला सीतारमन सेड कि ये जो अमेंडमेंट आई है, इसका हमारे दिमाग में, जो हमने अमेंडमेंट बनाई, हमारे दिमाग में ये था, ये जो इंडियन है एनआर स्टेटस लेकर टैक्स हेवन में जाके इनकम अर्न करता है, इन्होंने कहा हमने ओईसीडी वालों ने हमसे बोला था, ये हमसे ओईसीडी वालों ने बोला था ऐसा लॉ बनाएंगे हम लोग, हमने बना दिया पहले से, वो बात और है, हम इमेच्योर है, लॉ बनाना नहीं आता। सो इस पर बहुत डिबेट हुई वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आज आप देखिए इवन जो डीवीएस के चेयरमैन है, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और उनको किसी वजह से वहां टैक्स नहीं लगता बिकॉज ऑफ सम प्रिविलेजेस गेटिंग, उन पर भी रेजिडेंट बन जाएंगे वो। ये लॉ बिल में आया था, बट निर्मला सीतारमन ने कहा हमसे बिल बनाने में गलती हो गई है, हम पूरा रीड्राफ्ट करके एक्ट पास करें। और अल्टीमेटली इन्होंने कहा कि इंडियन सिटीजन जो इंडिया में भी कमाता है, नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में भी कमा रहा है, नॉन रेजिडेंट है, यानी इंडिया में पैसा है उसके पास, कमा भी रहा है, इन्होंने कहा कि 15 लाख से ऊपर कमाता है, यानी ओके 15 लाख से ऊपर कमाता है और किसी टैक्स हेवन में काम करता है, तो हम ये कुछ करेंगे।
सो बेसिकली फाइनेंस बिल जब आया था उसने तो एक बड़ा सिंपल सेंटेंस लिखा था, एनी नॉट विथस्टैंडिंग रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6(1), एक सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज नॉट लायबल टैक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल बी डीम्ड एज अ रेजिडेंट। उससे दुबई में लिबरल्स ने शोर मचाया, पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन सेटल्ड थे दुबई, मोस्टली दुबई, बिकॉज दुबई में टैक्स नहीं है, वहां शोर मचा। दुबई मीन्स यूएई, पूरा यूएई एग्जेम्प्ट है, ओमान वगैरह सब एग्जेम्प्ट है, वहां टैक्स नहीं लगता। वहां इंडियंस को परेशानी हुई कि ये क्या कर दिया आप लोगों ने। करीबन एक महीने तक ये बातें उठी थी, यहां तक हो गया था जो यूएई का वो है क्या नाम होता ना, वो शेख जो हेड होता है, उसने प्राइम मिनिस्टर को फोन कर दिया था कि व्हाट आर यू डूइंग लाइक दिस, हमारे पास इंडियन लेबर आनी बंद हो जाएगी अगर से 30% टैक्स दे दिया उन लोगों ने इंडिया में। सो पीएम, मतलब मैं इस सब इसलिए बता रहा हूं, ये इशू बहुत लाइमलाइट में आया था। एक महीने तक कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग थी अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, कि व्हाट इज दिस गवर्नमेंट डूइंग। फिर एक ना अनुराग, कौन है वो जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है, अनुराग ठाकुर, वो भी आया टेलीविजन पे, उसने भी कहा जी हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। उसने कहा, उसने एक वर्ड बोला, हम स्टेटलेस इंडियंस को टैक्स करना चाहते हैं। ही यूज्ड अ वर्ड, हम स्टेटलेस इंडियंस को टैक्स करना चाहते हैं, वो इंडियंस जो इधर से उधर भागते रहते हैं ताकि कहीं टैक्स ना देना पड़े। 3 महीने साइप्रस में चले गए, 3 महीने इधर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में चले गए, 3 महीने यहां चले गए। उसने कहा हमारा एम इनका है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया मैंने आपको। ये अमेंडमेंट इसलिए बता रहा हूं, बहुत तहलका मचा था इस अमेंडमेंट में, पूरे वर्ल्ड में जितने इंडियन सेटल्ड है वर्ल्ड वाइड सब ने शोर मचाया था। फिर ये अमेंडमेंट किस तरह चेंज करके आई हुई है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, विल स्टॉप हियर।